हाँ जी, सी इंटर के सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। चले जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं सी इंटर ऑडिट में रिवीजन ऑफ ऑडिट एविडेंस। पार्ट वन आप देख चुके हैं, ये पार्ट टू है जिसके अंदर हम रिमेनिंग टॉपिक्स को खत्म करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर ऑडिट एविडेंस के अंदर SA 510 कॉल्ड एज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस। अब ये क्या कहता है, कहता है जी सपोज, अब मैं डिफरेंट सिचुएशंस की कल्पना कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा जी ये ओपनिंग बैलेंसेस थे, अब ऑडिटर ने क्या किया, पूरे साल की ट्रांजैक्शन चेक कर ली, पूरे साल की सब कुछ ठीक ठाक था, परंतु ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर दिक्कत थी। ओपनिंग बैलेंस में दिक्कत है, जितना मर्जी तेल निकलवा लो तो ड्यूरिंग द ईयर क्या मैं कह सकता हूँ क्लोजिंग बैलेंसेस की फिगर में भी मिसस्टेटमेंट होगी? यस। तो क्या इसलिए जरूरी है ऑडिटर के लिए कि वो ओपनिंग बैलेंसेस को भी चेक करे? हाँ, इसी के लिए ये ऐसे आया है कि कब कब किन किन परिस्थितियों में ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना जरूरी होता है। ठीक है जी, चलिए। जैसे कि मैंने कहा, अगर मान लीजिए आपने ओपनिंग बैलेंसेस यानी कि पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस की फिगर को चेक किया हुआ है, आपने ड्यूरिंग द ईयर की सारी फिगर्स को भी चेक कर लिया है, तो क्या दोबारा से क्लोजिंग बैलेंस को चेक करना जरूरी है? नहीं, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस अगर आपने चेक किया है, तो इसका मतलब है इस साल का ओपनिंग बैलेंसेस आपने चेक किया है। फिर ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजेक्शन को आपने चेक किया है, तो फिर इसका मतलब अब क्लोजिंग बैलेंस को आपको दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो फिर ओपनिंग बैलेंसेस की फिगर को चेक करने की जरूरत कब कब होती है, देखना शुरू करते हैं। पहला केस ये है, सपोज लास्ट ईयर में 2021 था, वो ऑडिटेड ही नहीं था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म होगी, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही होगी। अब पहली बार ऑडिट की रिक्वायरमेंट 21-22 में लगी है, तो क्या मिस्टर ए को अपॉइंट किया गया ऑडिटर, तो बताइए क्या ओपनिंग बैलेंसेस को इसे कमेंट देना पड़ेगा कि नहीं? यस, देना ही पड़ेगा, यानी कि ओपिनियन देना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंसेस पे, क्योंकि बेशक टैक्स ऑडिट या ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट भाई साहब तुम्हें तो देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस में गड़बड़ हुई तो जितना मर्जी तेल निकलवा लो क्लोजिंग बैलेंस गलत रहेंगे। तो ये वो पहली सिचुएशन है जब हमने कहा जी ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना जरूरी है। एक और एग्जांपल करते हैं जहां ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना जरूरी हो जाता है। सपोज 2021 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उसका ऑडिट किया है किसी और ने, मान लीजिए कोई सीए पप्पू था, ठीक है जी, जो कि जिसे हम कह सकते हैं प्रीडिसेसर ऑडिटर, मतलब पिछला ऑडिटर था। अब 21-22 में राम अपॉइंट हुआ एज अ ऑडिटर। अच्छा, अब पिछले साल पप्पू था, इस साल राम आया है, तो क्या राम को ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने पड़ेंगे? यस, चेक करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो प्रीडिसेसर ऑडिटर के ऊपर रिलाई किया था, ना बेटा, इस साल का ऑडिटर तुम कर रहे हो, अगर ओपनिंग बैलेंसेस गलत हुए तो तुम्हारा सारा तेल निकलवाना भी बेकार चला जाएगा, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंसेस सही है नहीं, ये तुम्हें चेक करना ही पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें ऑडिट प्रोसीजर ड्यूरिंग द ईयर भी फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है जी, एक अगला एग्जाम्पल मान लीजिए एक फर्म है जो कि एस्टेब्लिश ही ड्यूरिंग द ईयर में हुई है, और ड्यूरिंग द ईयर में ही राम का अपॉइंट किया गया है एज अ ऑडिटर, तो बताइए क्या यहाँ पर ऐसे 510 लगेगा, यानी कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? नहीं, क्योंकि फर्म का अभी अगर अपॉइंटमेंट हुआ, फर्म का अभी इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंसेस तो कहीं होंगे ही नहीं ना। ठीक है, चले आप एक परिस्थिति और समझिएगा। मान लीजिए 21-22 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो था उसमें क्या हुआ कि टू कैश था 1,00,000 रुपये, डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी, शुड हैव बीन 10% के हिसाब से AS 10 अगर लगाऊं तो फिर होनी चाहिए थी 10,000 रुपये, और क्लोजिंग बैलेंसेस होने चाहिए थे 90,000 रुपये। अब हुआ क्या, एक्चुअल में क्या था, ये होना चाहिए था, ये था कैश 1,00,000, मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000 रुपये, डेप्रिसिएशन 9,000, मतलब नंबर ऑफ डेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया और क्लोजिंग बैलेंस 91,000 शो कर दिया। ऑडिटर ने क्या किया, इसको देखकर उसने क्वालिफाइड ओपिनियन प्रेजेंट कर दिया, ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया कि भैया यहाँ पर क्या हुआ है कि 1,000 रुपये से आपका क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो एक्चुअल में 91,000 आ रहा है, जबकि इट शुड हैव बीन 90,000, यानी कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है, अंडरस्टेटेड हुआ है, तो इस वजह से क्वालिफिकेशन दे दिया ऑडिटर ने। ठीक है, अब अगले साल क्या हुआ देखिएगा, अगले साल का सीन। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए था अगले साल, क्योंकि ये गड़बड़ थी, तो आपने 91,000 जो एक्चुअल में किया था उसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया, अब आपको 1,000 की प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड कैरी करनी चाहिए थी यहाँ पर, यानी कि अगर पिछले साल के ऑडिटर की रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन है तो इस साल चेक करो कि क्या प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट हुई है कि नहीं, फिर इस साल की एंट्री सही कर दो। परंतु आपने क्या किया, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट की नहीं,
और फिर डेप्रिसिएशन की फिगर फिर गलत कर दी, 91,000 पे आपने 10% लगा दिया, फिर दोबारा फिर गड़बड़ कर दी, तो इस बार फिर क्वालिफिकेशन आएगी। अब क्वालिफिकेशन किन किन चीजों की आएगी, डेप्रिसिएशन की फिगर गलत है इस चीज पे आएगी, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट कैरी नहीं हुई इस चीज पे आएगी, यानी कि अब दो दो आइटम्स हो गई आपके ऊपर जहां पर क्वालिफिकेशन आ रही है, तो जिस वजह से मिस स्टेटमेंट में मतलब आपके क्लोजिंग बैलेंस में भी मिस स्टेटमेंट होगी, ये भी होगी क्वालिफिकेशन। तो डेप्रिसिएशन के कारण, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट ना करने के कारण और क्लोजिंग बैलेंस गलत आएगा, ये सारी मिस स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है ना। चलिए तो इन बातों का ध्यान रखना आप। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेफिनेशन में इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। सबसे पहले इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होती कब है, एन एंगेजमेंट इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड। जैसे हमने सीए फर्म का एग्जांपल लिया, सॉरी पार्टनरशिप फर्म का एग्जांपल लिया कि लास्ट ईयर में टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो इन दोनों परिस्थितियों में इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, और आगे बढ़े। फिर उसके बाद मेरे पास आता है प्रीडिसेसर ऑडिटर। हाँ जी, प्रीडिसेसर ऑडिटर मतलब पिछला ऑडिटर। ये कौन होता है, एक ऐसा ऑडिटर जो कि अलग ऑडिट फर्म से बिलोंग करता है, मतलब इसकी ऑडिट फर्म अलग होती है। यस, यानी कि ऑडिटर फ्रॉम द डिफरेंट ऑडिट फर्म हु ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द प्रायर पीरियड एंड हु हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द करंट ऑडिटर इज कॉल्ड एज अ प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो दोबारा बोलो, ऑडिट फ्रॉम अ डिफरेंट ऑडिट फर्म जिसने प्रायर पीरियड का ऑडिट किया था एंड इज रिप्लेस्ड बाय द करंट ऑडिटर इज कॉल्ड एज अ प्रीडिसेसर ऑडिटर। क्लियर इतनी बात, चलिए आगे। फिर आता है मेरे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। हाँ जी, जब आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट लेते हो, करते हो, तो किस ऑब्जेक्टिव के साथ करते हो, तो मैं कह सकता हूं टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर वेदर ये जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं कहीं इसमें मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो कि मेटेरियली अफेक्ट कर दे करेंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, ये चेक करना। और दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कि ओपनिंग बैलेंसेस में रिफ्लेक्ट की गई थी उसे ड्यूरिंग द ईयर भी लगातार फॉलो किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लोजिंग स्टॉक फीफो बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है पिछले साल का, जो कि इस बार का ओपनिंग स्टॉक बना, परंतु इस बार आपने लीफो लगा दिया, तो फिर ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो तो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी पहले, वो आपने की नहीं। तो अगर मान लीजिए आपने ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग पॉलिसीज जो थी क्या वो कंसिस्टेंटली फॉलो की है या नहीं की है, और अगर कोई चेंज किया है अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर तो क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है या प्रेजेंटेशन एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ हुआ है या नहीं हुआ। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, दूसरी बात एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कि ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर आ रही थी वही ड्यूरिंग द ईयर फॉलो की गई है, और अगर उनमें कोई चेंज हुआ है तो प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है एज पर दिस इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है जी। चलिए, अब सवाल उठा ऑडिट प्रोसीजर फॉर द ओपनिंग बैलेंसेस। हाँ जी, क्या ऑडिट, क्या प्रोसीजर अपनाएगा ऑडिटर ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करने के लिए। सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, रीड करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल की और पिछले साल के प्रीडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट अगर वो ऑडिट हुआ है तो, फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है जी। एक तरफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के पिछले साल की ऑडिटर की रिपोर्ट क्यों उठाई, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई क्वालिफिकेशन वगैरह तो नहीं है, एडवर्स कमेंट तो नहीं है, खासकर क्लोजिंग बैलेंसेस को लेकर, खासकर इन्वेंट्री डेटर्स इन चीजों को लेकर। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओ, प्रीडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट उठाओ फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है जी। आगे फिर ऑडिटर को अब ऑब्टेन करने पड़ेंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। अच्छा, किस लिए, ऑडिटर शैल ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस बाय डिटरमाइनिंग वेदर द प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंसेस, जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस थे क्या वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हैं। पहला ऑडिट प्रोसीजर क्या कहता है, जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस थे क्या वही इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस बने हैं कि नहीं, ये चेक कर लीजिए।
एंड एनी एडजस्टमेंट हैज बीन डिस्क्लोज्ड एज द प्रायर पीरियड आइटम इन द करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल. और अगर मान लीजिए पिछले साल के बैलेंसिंग में कुछ दिक्कत थी, तो क्या उसको लेकर, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया डेप्रिसिएशन वाला, तो उसको लेकर क्या इस साल प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड हुई है कि नहीं, आपने की है कि नहीं? दोबारा बोलो, ऑडिट प्रोसीजर सबसे पहले ये चेक करो कि क्या जो पिछले साल के बैलेंसेस थे वो ब्रॉड फॉरवर्ड इस साल सही हुए हैं कि नहीं. और जो अगर मान लीजिए पिछले साल के बैलेंसेस पे अगर कोई प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट करनी थी तो क्या वो की गई है कि नहीं, पहला प्रोसीजर. दूसरा, ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग पॉलिसीज जो पिछले साल थी वही की वही फॉलो की गई है कि नहीं. तीसरा, परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर. हाँ जी, अगर तो पिछला साल ऑडिटेड था तो फिर पिछले साल के ऑडिटर के पहले तो फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लो. अच्छा, फिर देखो क्या आपने जो ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं क्या उससे ओपनिंग बैलेंसेस का कंफर्मेशन मिलता है. से फॉर एग्जांपल आपने ड्यूरिंग द ईयर एंड, जैसे कि आप 21-22 में लगे, आपने 21-22 में मेजर डेटर्स के सारे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगा लिए और वो बिल्कुल मैच कर रहे थे बैलेंस शीट से. तो अगर मैच कर रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर आपने चेक किया है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से क्लोजिंग बैलेंसेस मैच कर रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूं ओपनिंग बैलेंसेस भी ऑटोमेटिकली ठीक होंगे? यस. सेकेंड पॉइंट, इवेल्युएट करो कि जो आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं ड्यूरिंग द ईयर क्या वो ओपनिंग बैलेंसेस को सही ठहरा रहे हैं. बहुत अच्छी बात अगर सही ठहरा रहे हैं. मगर अगर ऐसा नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन आप नहीं ले पाए हैं, कुछ बड़े बड़े अकाउंट्स की नहीं मिल पा रही है, तो फिर अब मुझे ओपनिंग में भी दिक्कत है, क्लोजिंग का मुझे पता नहीं लग रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर आपको स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि आप ओपनिंग बैलेंसेस के लिए कंफर्मेशन ले सकें. अब आपको इसके लिए स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे. ओ माय गॉड, क्योंकि इस साल के प्रोसीजर आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो अब अलग से स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे. ठीक हो गई इतनी बात? चलिए जी, जो भी मुझसे पढ़े हैं प्लीज ये पूरे का पूरा एग्जांपल देख लीजिएगा. मैं रिकॉल करवा रहा हूं एक बार. फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस फॉर ओपनिंग बैलेंसेस में आपने सबसे पहले देखा कि क्या जो ब्रॉड फॉरवर्ड करेक्ट हुआ है कि नहीं और कोई प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट हुई है कि नहीं. फिर आपने चेक किया कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज है. थर्ड, आपने परफॉर्म किया क्या लास्ट ईयर की आपने ऑडिट रिपोर्ट उठाई. आपने देखा कि क्या जो करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर हैं क्या वो एविडेंस दे पा रहे हैं ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में कि नहीं. और अगर हाँ दे पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपने ले लिया है जिससे कि क्लोजिंग बैलेंसेस मैच हो गए, तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंसेस भी ठीक है. बट अगर मान लीजिए नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपने क्या किया, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे फॉर ओपनिंग बैलेंसेस. फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म किए होंगे, फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कहा जी नथू डेटर है क्लाइंट 10 करोड़ का, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई 22-23 में नथू के साथ, ठीक है जी. तो करंट ईयर में आपने कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया इसको चेक करने का क्या प्रोसीजर फॉलो करता. तो फिर अब मैंने कहा ड्यूरिंग द ईयर कोई अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कोई मैं चेक नहीं कर पा रहा, तो एक काम करता हूं ना, मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन इससे मंगवा ली. मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन इससे मंगवा ली क्योंकि मैंने कोई प्रोसीजर ड्यूरिंग द ईयर तो फॉलो किया नहीं था. क्यों? क्योंकि कोई एंट्री नहीं हुई थी, तो मैंने लास्ट में इससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा ली और जो बैलेंसेस आए उससे मैंने चेक कर लिया कि अगर वो बैलेंसेस सेम है तो ओपनिंग बैलेंसेस भी सेम होंगे, या मैं इससे पिछले साल का भी बैलेंस कंफर्म करने को कह सकता हूं और इस साल का भी. तो दोनों ऑप्शन है. तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया. अब यही कह रहा है स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर जो है ओपनिंग बैलेंसेस पे आप कैसे परफॉर्म करते हो. तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर. ये डिपेंड करता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. पहला कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी एंटिटी जो है वो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रही है. दोबारा बोलता हूं, एंटिटी कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो कर रही है. फिर दूसरी बात, नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स किस तरीके के हैं, एंड दूसरी बात रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस लेवल का है. दोबारा बोलता हूं, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब ओपनिंग बैलेंसेस पे आप कितना जोड़ दोगे ये डिपेंड करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द एंटिटी. फॉर एग्जांपल अगर ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज किया गया है तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस की फिगर के लिए प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. दूसरी बात, अकाउंट बैलेंसेस में कौन कौन सी आइटम है,
कितनी बड़ी लेवल की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी बड़ी लेवल की आइटम्स हैं, डिस्क्लोजर में कौन कौन से आइटम है और उनको देखकर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किन किन आइटम्स का है। तो अगर मान लीजिए बैलेंस शीट में बड़े बड़े डेटर्स हैं तो फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो फिर उसके बाद आपको करना ही करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंसेस को चेक। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपनिंग बैलेंस इन रिलेशन टू द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ जी किस लेवल के, फॉर एग्जांपल कंपनी में टोटल डेटर ही 5,000 हैं या कंपनी में टोटल डेटर 5 करोड़ हैं, समझ गए ना, तो सिग्निफिकेंस कितनी है ओपनिंग बैलेंस किसकी। फिर वेदर द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड, अगर ऑडिटेड थी तो वेदर प्रीडेसेसर ऑडिटर ओपिनियन वाज मॉडिफाइड, तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि अगर मान लीजिए पिछले ऑडिटर ने मॉडिफिकेशन किया हुआ है तो फिर आपको देखना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करते हुए कि हाँ जी क्या वो एडजस्टमेंट उसके लिए कैरी हुई है या नहीं हुई करेंट ईयर में। ठीक हो गई इतनी बात भी। चलिए अब मैं कहता हूं प्री प्रोसीजर वेयर द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय द प्रीडेसेसर ऑडिटर। अब हुआ क्या जी, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले ऑडिटर ने ऑडिट की थी, हाँ जी क्या हमारा ऑडिटर जो इस साल का ऑडिटर है क्या वो क्लोजिंग बैलेंसेस के ऊपर रिलायंस कर सकता है, क्या वो उनके ऊपर डिपेंड कर सकता है। हाँ कहता है जी ऑडिटर कैन पुट अ रिलायंस ऑन द क्लोजिंग बैलेंसेस कंटेंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट, केवल उन जगहों को छोड़कर जब ड्यूरिंग द ईयर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इन द करेंट ईयर उसे पॉसिबिलिटी लगती है मिस स्टेटमेंट इन द ओपनिंग बैलेंसेस। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट में अगर मान लीजिए आपने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की फिगर मंगवाई ईयर एंड पे, ईयर एंड पे फिगर जो आपने तो सारी ट्रांजेक्शन पूरे साल की चेक की थी परंतु ईयर एंड की फिगर जो आपकी है और जो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में आई वो दोनों अलग अलग है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने तो सारी ट्रांजेक्शन भी चेक कर ली फिर भी क्लोजिंग फिगर अलग है, तो इसका मतलब गड़बड़ किसमें, ओपनिंग फिगर में। तो क्या मैं प्रीडेसेसर की ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई कर सकता हूं, नहीं, अब तो वहां गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। ठीक है जी, तो फिर स्पेसिफिक प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड फॉर, अच्छा मैं दोबारा बोलता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, एक बात सोचना, हम स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंसेस का, जिसमें हमने सबसे पहले क्या कंसीडर किया, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या होगा ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब किस हद तक किस लेवल तक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए जाने हैं चेक कर लो। दूसरी बात, अगर मान लीजिए प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड थी प्रीडिसेसर ऑडिटर की, तो मैं उस पर रिलाई कर सकता हूं जब तक कि मुझे करेंट ईयर में कोई गड़बड़ की संभावना न नजर आए। ठीक है, और तीसरा स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर, हाँ जी अब कुछ आइटम्स हैं जिनके ऊपर क्या क्या कैसे कैसे स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म होंगे। देखिएगा, पहला सबसे पहले करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, तो इसके लिए आप क्या करोगे, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के लिए चेक करने के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या होगा, मैं कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, करंट एसेट्स में मेजर पोर्शन क्या होता है डेटर्स, तो मैं कहूंगा जी मुझे अकाउंट रिसीवेबल की पूरी रिपोर्ट दे दो। दूसरी बात, अकाउंट पेबल क्रेडिटर्स की भी पूरी की पूरी रिपोर्ट दे दो एंड कैन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, मतलब मैं उनकी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड एविडेंस कैसे ले सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेकर। ठीक है, अब इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर अपनाऊंगा मैं क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग इन्वेंट्री पर, 31 मार्च की जो फिगर होगी उसके ऊपर मैं अपना ऑडिट प्रोसीजर अपनाऊंगा, मतलब ऑडिट प्रोसीजर मतलब मैं उसका फिजिकल काउंटिंग करवाऊंगा, उसके बाद प्लस कर दूंगा सेल माइनस कर दूंगा परचेज और ओपनिंग फिगर निकल आएगी। अब देख लूंगा ओपनिंग फिगर क्या जो बैलेंस शीट में आ रही है वही है ओपनिंग फिगर या नहीं है। ठीक है जी, चलिए Does the auditor to ensure observing the physical inventory counting and reconcile it to the opening inventory? फिर नॉन करेंट एसेट एंड नॉन करेंट लायबिलिटी का मैं इंस्पेक्शन कैसे करूंगा, मैं किस तरीके से ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करूंगा, जहां तक प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा का सवाल रहा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, अपने रिकॉर्ड्स में से डॉक्यूमेंट्स में से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता हूं जिसकी वजह से मुझे पता लग जाएगा कि कितने ओपनिंग बैलेंसेस होने चाहिए, और ज़्यादा बात रही तो फिर मैं कन्फर्मेशन थर्ड पार्टी से मंगा ही सकता हूं, अगर कोई भी मुझे लायबिलिटी वगैरह के लिए कोई कन्फर्मेशन चाहिए, नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब टर्म लोन के लिए चाहिए, तो मैं बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन्फॉर्मेशन मंगा ही सकता हूं। ठीक है जी, तो ये हुए स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर अब मैं कहता हूं कि वो सिचुएशन जबकि ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है, अगर मान लीजिए ऑडिटर को एविडेंस मिला है कि ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है और मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, तो दो ऑप्शन है, या तो क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन, भाई वही होगा। ठीक है ना, मगर ऐसा ओपिनियन देने की जल्दबाजी नहीं करनी, पहले ऑडिटर क्या करेगा, कोशिश करेगा कि क्या कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया जा सकता है, क्या कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया जा सकता है,
अगर उसे लगता है भाई कुछ नहीं हो सकता तो फिर वो नेगेटिव ओपिनियन या फिर जो भी ओपिनियन देना है वो दे देगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रिपोर्टिंग पर। रिपोर्टिंग ओपनिंग बैलेंसेस। अब देखो जी, रिपोर्टिंग में दो चीजें हैं। पहला, अगर तो ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो डिस्क्लेमर करोगे या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे एज पर द एसए 705। बट अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि एविडेंस तो मिल गए हैं बट एविडेंस इस चीज के प्रूव करते हैं कि मिसस्टेटमेंट है, तो फिर आप क्या करोगे, या तो एडवर्स ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन, डिपेंड करेगा फिर ऐसे 705 पे। मतलब तो परवेसिव इफेक्ट है तो फिर एडवर्स ओपिनियन, नहीं तो क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है जी। उसके बाद अब हम आते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज पर। अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर ऑडिटर का कंक्लूजन ये है कि भैया जो ओपनिंग बैलेंसेस में अकाउंटिंग पॉलिसीज थी वो इस साल कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हुई है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। अगर करंट पीरियड अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन रिलेशन टू द ओपनिंग बैलेंसेस, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस में पॉलिसीज अलग हैं, ड्यूरिंग द ईयर अलग है, एंड द चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज को प्रॉपरली अकाउंट नहीं किया गया है, मतलब प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट कैरी नहीं की गई है, तो ऑडिटर तुम क्या करोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन दोगे, डिपेंड करेगा कितना परवेसिव इफेक्ट है। ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा पहला आज का एसे, जिसमें हमने किया एसे 510, मतलब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब हम आते हैं अपने दूसरे एसे की तरफ। अब हमारा आता है दूसरा एसे जिसका नाम है एसे 610 इंटरनल ऑडिट फंक्शन। भाई इंटरनल ऑडिट क्या होता है आप जानते हैं, दो तरीके के ऑडिट होते हैं, एक एक्सटर्नल ऑडिट एक इंटरनल ऑडिट। जब हम ऑडिटर की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं, परंतु इंटरनल ऑडिट इस टाइम हम बात कर रहे हैं, क्या एक्सटर्नल ऑडिट इंटरनल ऑडिट फंक्शन के द्वारा किए गए काम को यूज कर सकता है। देखो जी, एंटिटी एक ऐसी कंपनी थी जो कि सेक्शन 138 में कवर थी, और 138 में दिया गया कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना ही करना पड़ता है। अब मान लीजिए एंटिटी ऐसी है जिसने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर रखा था, एक्सटर्नल ऑडिटर आया, अब वो सबसे पहले चेक करेगा कि अगर इंटरनल ऑडिटर ने कोई काम कर रखा है तो क्या वो उसे यूज कर सकता है। दो ऑप्शन है, या तो आप इंटरनल ऑडिटर के द्वारा किए गए काम को यूज कर लो अपने लिए, और या फिर आप इंटरनल ऑडिटर को भी अपने साथ लगा लो। ठीक है, अपने साथ ही काम पे लगा लो। तो अब दो तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का यूज कर सकता है, या तो उसके द्वारा किए गए काम रिपोर्ट जो भी उसने काम किया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन किए होंगे, इन्वेंट्री काउंटिंग की होगी उसको देख लो, और या फिर उसको अपने डायरेक्ट असिस्टेंस में लगा लो, उसके साथ एक्सटर्नल ऑडिट में उसको अपने साथ लगा लो। ठीक है, दोनों के अपने अपने इफ एंड बट्स हैं दोनों चीज़ों के। चलिए देखना शुरू करते हैं। आइएगा इस एनालिसिस के बाद, आइएगा आइएगा, ये पहले सारी समरी वगैरह लिखवाई हुई है मैंने। लो जी, रिलेशनशिप बिटवीन एसए 610 एंड एसए 315। देखो जी, जब एक्सटर्नल ऑडिटर स्टेचुटरी ऑडिटर जब एसए 315 के अंदर एंटिटी को समझ रहा होगा, तो समझते हुए एंटिटी को समझते हुए उसे यह भी पता लगा होगा कि यहाँ पर एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी है, आईएएफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस भी हैं, तो उसे पता लगा। अच्छा, अब क्या करेगा वो, अब यूज अगर वो यूज कर रहा है इंटरनल ऑडिट फंक्शन के द्वारा किए गए काम को, अगर वो यूज कर रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अब उसे अपने नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो तो समझ के आया था कि मैं इन्वेंट्री काउंटिंग करूंगा एक्सटर्नल ऑडिटर, पर जब इंटरनल ऑडिटर ने इन्वेंट्री काउंटिंग कर रखी है तो अब उसे करने की जरूरत नहीं। वो ये सोच के आया था कि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन लूंगा, जब इसने कर रखा है तो फिर इसे जरूरत नहीं दोबारा वही काम करने की। ठीक है ना, क्यों क्लाइंट को और उसके क्लाइंट को परेशान करना। इसलिए तो सबसे पहले क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन एसए 610 एंड 315 क्या है। सबसे पहले क्लाइंट से मीटिंग कर जब 315 के अंदर आपने मीटिंग की, तो आपने देखा कि हाँ जी इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी है, और आपने डिसाइड किया कि हाँ जी मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन के द्वारा किए गए काम को यूज करने जा रहा हूँ, और अगर आप यूज करने जा रहे हैं तो आपका जो ऑडिट प्रोसीजर था उसका नेचर एंड टाइमिंग आपको चेंज करना पड़ेगा।
फिर अब मैंने कहा जी एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट, ध्यान रखो एक्सटर्नल ऑडिटर, बेशक आप इंटरनल ऑडिटर के द्वारा किए गए काम को यूज कर रहे हो तो फिर तो आपकी तो मौज मस्ती हो गई। एक दिन आओ सुबह आओ इंटरनल ऑडिट वाले से पूछो कि तूने काम कर रखा है, हाँ बस उसके बेसिस पर रिपोर्ट बना दो। ध्यान रखना ऐसा नहीं होगा, आप एक्सटर्नल ऑडिटर हो तो इसलिए ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही रहोगे, चाहे आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करो या ना करो, या आपकी जिम्मेदारी है, परंतु आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ऑडिट में कुछ भी गड़बड़ हो। ध्यान रखना फिर सिचुएशन वेयर द एक्सटर्नल ऑडिटर डिसाइड टू यूज द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, हाँ जी, अगर अगर पहली बात आप उसके द्वारा किए गए काम को यूज करना चाहते हो तो अब किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले करना इवेल्युएट करना इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। इवेल्युएट कैसे करोगे, तीन चीजों पे। पहला एक्सटेंट, कॉम्पिटेंस, क्वालिटी। एक्सटेंट का मतलब क्या है, एक्सटेंट का मतलब है कि एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने जो काम किया है वो किस हद तक ऑब्जेक्टिविटी को, एक्सटर्नल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटरनल ऑडिटर शक्ल से ही बिका हुआ आदमी है, ये मैनेजमेंट का रिश्तेदार है तो फिर तो तेल निकल गया, इसके द्वारा किए गए काम पे मैं कैसे रिलाई करूं। अभी डिटेल में समझता हूं ऑब्जेक्टिविटी को। तो एक्सटेंट टू विच द इंटरनल ऑडिट फंक्शन सपोर्ट कर रहा है ऑब्जेक्टिविटी को। दूसरी बात, इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या ऐसा बंदा है जो कि कंपिटेंट है कि नहीं है। तीसरा, क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने जब अपना काम किया है तो क्या उसने एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो की है या नहीं की, इंक्लूडिंग द क्वालिटी कंट्रोल। अब इन तीन चीजों को मैं कैसे जज करूंगा एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर, देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जब उसकी इंटरनल ऑडिट फंक्शन की ऑब्जेक्टिविटी को चेक करूंगा तो फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर टू इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिविटी, हाँ जी। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि क्या बाहर वालों के प्रेशर के बावजूद, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस के बावजूद, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद, या फिर बायसनेस होने के बावजूद, रिश्तेदार हो आप उसके क्लाइंट के, क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन अपना काम ढंग से कर पाया। मतलब इट रेफर टू द एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क विदाउट अलाउइंग द बायसनेस, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर्स टू ओवरराइड योर प्रोफेशनल जजमेंट, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। तो अगर एक्सटर्नल ऑडिटर चेक करेगा उसमें ऑब्जेक्टिविटी, कैसे चेक करेगा, हाँ जी, पहली चीज चेक कैसे करेगा, पहला ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन चेक करो। ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ये बंदा कौन है, क्या ये किसी डायरेक्टर का रिश्तेदार है, क्या ये किसी डायरेक्टर के साथ दिन रात उसी के रूम में बैठा रहता है, उसी के साथ हंसी मजाक चलता रहता है, ये चीजें को चेक करो, ठीक है ना। दूसरी बात देखो कि TCWG क्या ऊपर से सब कुछ देख रहा है कि नहीं, ओवरसी कर रहा है कि नहीं एम्प्लॉयमेंट डिसीजन रिलेटिंग टू द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। मतलब अगर TCWG ऊपर से सब कुछ देख रहा है तो वी आर सेटिस्फाइड। अब और मगर अगर वो बिल्कुल ही वो छोड़ रखा है उसने मैनेजमेंट के ऊपर, तो मैनेजमेंट तो ऐसे इंटरनल ऑडिटर्स को हायर करके उनके साथ कहीं ना कहीं मेल जोल बढ़ाकर अपने निकम्मेपन को छुपाने की कोशिश करेगा। तो क्या TCWG का ओवरसी है कि नहीं इंटरनल ऑडिट पे, ये चेक करो, ठीक है जी। तो अगर ये दोनों फैक्टर हैं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है सपोर्ट करता है एबिलिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू बी फ्री फ्रॉम द बायसनेस, और TCWG भी ओवरसी करता है उसके काम को, तो ठीक है ऑब्जेक्टिविटी मैच कर रही है, आगे चलते हैं। दूसरी चीज क्या है, अब दूसरी चीज है कि वेदर एनी, अच्छा अभी हमने ए और बी किए हैं, अच्छा थर्ड, वेदर एनी कॉन्स्टेंट और रेस्ट्रिक्शन, यानी कि इंटरनल ऑडिटर के काम पे क्या कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज तो नहीं की गई। फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेंट्री की काउंटिंग नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन नहीं चेक करोगे, क्या इस तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट, क्या कोई कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल ऑडिटर को तो नहीं दी गई। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज परफॉर्मिंग द मैनेजीरियल और ऑपरेशनल ड्यूटीज विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है अकाउंट्स बनाने की भी, तो अकाउंट्स भी वही बनाए, चेक भी वही करे, ये तो गलत हो गया ना। तो ऑब्वियसली वो अकाउंट्स को मैनेज करके बनाकर अगर वही चेक कर रहा है और वो उसके ऊपर स्टेचुटरी ऑडिटर रिलाई कर रहा है तो भगवान मालिक है फिर तो, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि ऑब्जेक्टिविटी को देख रहे हैं। अब
कंपिटेंसी को फैक्टर को देखने वाले कौन है, मतलब कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेंगे डिसीजन रिगार्डिंग कि वो बंदा कंपिटेंट है कि नहीं इंटरनल ऑडिट फंक्शन वाला. आगे, whether the internal audit function is adequately resources, has the adequate resources in relation to the size of the entity. For example, Reliance का audit करने के लिए जो internal audit function है उसके अंदर केवल दो staff हैं, पप्पू और टप्पू, दोनों अभी अभी बने हैं, भाई इसके कैसे भरोसे बैठ सकते हो. Reliance का internal audit function है ये. Second, whether they are established policies for hiring and training of the internal auditor to the internal audit function, मतलब ये लोग कैसे हायरिंग करते हैं, किस एक्सपीरियंस वाले बंदे को हायरिंग करते हैं, इनका हायरिंग वगैरह का प्रोसीजर क्या है. वेदर इंटरनल ऑडिटर हैव एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग, मतलब उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, जरा ये तो चेक कर लीजिए. वेदर दे पोसेस द रिक्वायर्ड नॉलेज रिलेटिंग टू द, अब देखो ऐसा होता है कोई बंदा मान लीजिए MBA है या फिर कोई और प्रोफेशनल है, उसको आपने रख लिया इंटरनल ऑडिट क्योंकि उसके लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन तो होती नहीं है, वो प्रोफेशनल होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नज़र में, बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो फिर क्या मैं ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए काम पर रिलाय करना चाहता हूँ या नहीं. ये सारे फैक्टर है जो मुझे डिसाइड करने पड़ेंगे जब मैं उसकी कंपिटेंसी के बारे में चेक कर रहा हूँ. तो कंपिटेंसी को चेक करते हुए क्या क्या देखूंगा, पहला क्या उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं कि नहीं फर्म में जो कि काम कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर क्लाइंट. दूसरा उनकी एस्टेब्लिश पॉलिसी फॉर हायरिंग वगैरह कैसी हैं, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह किस तरीके की दी जाती है वहां के जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं. थर्ड क्या इनके पास टेक्निकल ट्रेनिंग एंड द प्रोफिशिएंसी है, मतलब बातों से ही पता लग जाएगा INDAS AS इन सब का ज्ञान है, एसेज इन सब का ज्ञान है कि नहीं है. नेक्स्ट क्या इनके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है रिलेटिंग टू द एंटिटीज FRF. अगर मैं बैंक ऑडिट का स्टेचुटरी ऑडिटर हूँ, मैं इंटरनल ऑडिटर के द्वारा किए गए काम को चेक कर रहा हूँ, तो मैंने पूछा कि आपने कभी बैंक ऑडिट किया, उन्होंने कहा ना सर पहली बार चौके छक्के यहीं लगा रहे हैं बस, तो ऐसे के काम को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, तो इसलिए कंपिटेंसी का चेक करेंगे. और तीसरा फैक्टर यानी कि ऑडिटर ये चेक करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर कि इसने बंदे ने जो इंटरनल ऑडिटर है क्या इसने सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो की है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं. अच्छा ये कैसे चेक करेगा, सबसे पहले मैं उसके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चेक करूंगा जो उसने डॉक्यूमेंटेशन बनाए होंगे, तो इसलिए एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ द डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स. तो जो भी उसने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाया होगा ना, मैं कहूंगा जरा उसकी कॉपी मुझे दे दे, फिर उनको देखकर मैं पता लगा लूंगा कुछ एरियाज लाइक रिस्क असेसमेंट वर्क प्रोग्राम एंड रिपोर्टिंग, मतलब इसने कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए हैं रिस्क असेसमेंट को समझने के, फिर उसके बाद वर्क प्रोग्राम मतलब कौन कौन से प्रोसीजर्स अपनाए गए हैं, वर्क प्रोग्राम कौन कौन से प्रोसीजर अपनाए गए हैं, पहला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, फिर वर्क प्रोग्राम का मतलब है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से अपनाए एंड रिपोर्टिंग कैसे की इसने, ठीक है जी. उसके बाद जो भी इसने प्रोसीजर अपनाए हैं चाहे रैप हो फैप हो रिपोर्टिंग हो, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के साइज से मैच खाता है या नहीं खाता. और तीसरा इफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन हैज एप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज वगैरह है कि नहीं है. कोई आपके पास बुकलेट होगी ना आपकी फर्म की, वो जरा स्टैट्यूटरी ऑडिटर को दिखा दीजिए, तो इस तरीके से वो ये डिसीजन ले लेगा कि क्या इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल वगैरह का सिस्टमेटिक तरीके से अपनी जो क्वालिटी है जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड पॉलिसीज हैं उनका इन्होंने पालन किया है कि नहीं इस ऑडिट में. चलिए अब हम कहते हैं सर्कमस्टेंस व्हेन द यूज ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड. अब ये डिपेंड करेगा, अगर ये दो तीन नंबर का आया तो खाली तीनों पॉइंट लिख देना जो अभी तक किए उसके ऑपोजिट है ये, और अगर ये चार पांच नंबर का आता है तो फिर पूरा लिखना, मतलब कब कब इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम यूज किए जा सकते हैं, मतलब कंपिटेंसी पे कमेंट, सिस्टमेटिक अप्रोच पे कमेंट, ये सारे कमेंट आपको लिखने पड़ेंगे. मगर उनका फिलहाल उल्टा कर दो, तो ये वो सर्कमस्टेंस है जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को मैं यूज नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल अगर वो बंदा सफिशियंट कॉम्पिटेंट नहीं है, दूसरा अगर वो ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और तीसरा अगर उन्होंने कोई सिस्टमेटिक अप्रोच इंक्लूडिंग द क्वालिटी कंट्रोल पालन नहीं किया है, तो उनके द्वारा किए गए काम को मैं कैसे यूज कर सकता हूं, नहीं कर सकता. वो भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, ठीक है ना. और आगे बढ़ते हैं, फिर सम एग्जांपल्स जो कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन करेगा जिसको आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रूप में यूज कर सकते हो, उनके कौन कौन से काम को आप यूज कर सकते हो. तो पहला काम देखिएगा,
जो उन्होंने सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किया होगा आप उसको यूज कर सकते हो, जो उन्होंने इन्वेंट्री काउंटिंग की होगी उसको यूज कर सकते हो, जो उन्होंने टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल किया होगा आप उसे यूज कर सकते हो, फिर आप जो उन्होंने ट्रेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन किया होगा मतलब किसी भी एंटिटी के अंदर किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो चेक किया होगा उन्होंने आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए तो ये वो काम है, एग्जांपल है जो कि आप यूज कर सकते हो। फिर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन डेट कैन बी यूज्ड। जब आप डिसीजन लेते हो इस बात का कि आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को किस हद तक यूज करने जा रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर आपको कंसिडर करने चाहिए। देखो जी इतना ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा काम आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज कर लो, ऑडिट रिपोर्ट अपने नाम पर बना लो, ऐसा ना हो। मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए और वो ज्यादा रहना चाहिए। तो जब भी आप ये डिटरमाइन कर रहे हो कि मैं किस हद तक उसका काम यूज कर सकता हूं तो एक बात का ध्यान रखना, एक्सटर्नल ऑडिटर शैल कंसीडर द नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क परफॉर्म। सबसे पहले ये देखो कि उसने कौन सा काम किए हैं, कौन कौन से काम किए हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया है, इंटरनल कंट्रोल चेक किया है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर सारा परफॉर्म किया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिए हैं, क्या लिए हैं। दूसरा फिर देखो प्रोफेशनल जजमेंट लिखो कि इन ऑडिट एंगेजमेंट ही शैल प्लान टू यूज लेस ऑफ द वर्क, उसका काम कम यूज करो अपना काम ज्यादा करो। और तीसरा सबसे पहले चेक कर लेना कि क्या उसका काम यूज करने के बावजूद भी आप ये कह पा रहे हो कि ऑडिट आपने किया है। तो ये तीन पॉइंट कंसीडर कर लेना, तीन पॉइंट। पहला पॉइंट क्या काम उसने किया है वो जरा चेक कर लो, दूसरा पॉइंट अपना प्रोफेशनल जजमेंट जरा लगा लेना और इस तरीके से लगाना कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का जब आप काम यूज कर रहे हो तो भी आप ज्यादा काम कर रहे हो, उसने कम काम किया है। तीसरा ये भी चेक कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके द्वारा किए गए काम को यूज करने के बाद आपने तो कुछ किया ही नहीं, तो एक तरीके से आपने तो केवल उसके द्वारा किए गए काम पे केवल साइन किए हैं। तो मतलब चेक कर लेना कि क्या आप स्टिल इन्वॉल्व हो सफिशियंटली ऑडिट में कि नहीं। तो ये वो फैक्टर हैं जो कि डिसीजन लेने में मदद करेंगे आपकी। एंड फोर्थ एक्सटर्नल ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा TCWG को जरूर, उनको तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सा काम जो कि इंटरनल ऑडिटर ने किया है उसी को यूज करने जा रहा है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर ये बात जरूर बता देगा किसको, TCWG को, ठीक है जी। अब आगे आते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। हाँ जी अब मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए एक्सटर्नल ऑडिटर कहता है कि मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज कर रहा हूं तो फिर आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन के साथ एक मीटिंग कीजिएगा और उनसे समझिए, उनको बताइएगा कि आपका कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि मैं जिसको यूज करने जा रहा हूं मतलब कोऑर्डिनेट करने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 10 ब्रांचेस का ऑडिट कर लिया है, ठीक है, मैंने कहा जी जो आपने रिपोर्ट बनाई है मैं उसे ही यूज करना जा रहा हूं, ठीक है जी। दूसरी बात अगर आप उसके द्वारा किए गए काम को यूज करने जा रहे हैं, अगर आप यूज कर रहे हैं उसके द्वारा किए गए काम को, तो पहली बात उसके साथ डिस्कशन करो, दूसरी बात उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ो और अंडरस्टैंडिंग करो कि उसने कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए थे उसने इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने। अगर आप उसके द्वारा किए गए काम को यूज कर रहे हो तो पहले उसके द्वारा किए गए काम को अपने काम के साथ कोऑर्डिनेट करो, दूसरा उसके द्वारा किए गए रिपोर्ट को पढ़ो और देखो उसने कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, तीसरा एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे ऑन द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू डिटरमाइन कि क्या इंटरनल ऑडिटर फंक्शन ने जो काम किया वो प्रॉपरली प्लान्ड था एंड प्लान्ड के अनुसार परफॉर्मेंस हुई है, क्या उसने प्रॉपर एविडेंस प्राप्त किए हैं और क्या कंक्लूजन एप्रोप्रिएट है। याद करो यही तो स्टेप्स इन ऑडिट है, तो चेक करो इसने सारे स्टेप्स इन ऑडिट सही बनाए हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल प्लानिंग की, प्रोसीजर परफॉर्म किए, एविडेंस कलेक्ट किए और कंक्लूजन ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक कर लो। उसके बाद अब हमारा यहां तक ये पोर्शन खत्म हो गया कि अगर मान लीजिए आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन के द्वारा किए गए काम को यूज कर रहे हैं तो फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट कर लो उसके साथ अपने द्वारा किए गए काम को, उसकी रिपोर्ट को पढ़ो और देखो कि उसने कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर किस हद तक परफॉर्म किए हैं। तीसरा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो उसके द्वारा किए गए काम के ऊपर, ताकि आप इवेल्युएट कर सको कि क्या उसने जो काम किया वो प्रॉपरली प्लान था, फिर परफॉर्मेंस की है उसने प्रोसीजर्स का, उसके बाद एविडेंस कलेक्ट किया और उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं। ठीक है जी, फिर हम आते हैं अगली सिचुएशन पर कि जहां पर एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के द्वारा किए गए काम को क्या कर रहा है, यूज नहीं, वो कह रहा है इंटरनल ऑडिटर को कि चल बेटा तू मेरे साथ ही काम पे लग जा। यानी कि जहां पर आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन को असिस्टेंस के रूप में यूज कर रहे हो, तो अब एक्सटर्नल ऑडिटर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, सबसे पहले ये देखो कि क्या आप उस बंदे को यूज कर भी सकते हो या नहीं। दे शैल नॉट बी यूज, वो यूज नहीं हो सकते अगर अगर मान लीजिए उनकी ऑब्जेक्टिविटी पे खतरा है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर के रिलेटिव है। दूसरी बात, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नए नए एक्सपीरियंस है, अभी अभी आए हैं, तो इतना बड़ा ऑडिट वो नहीं संभाल पाएंगे। तो इसलिए ये चीजें कंसिडर कर लो, ऑब्जेक्टिविटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर दूसरी बात, फिर दोबारा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क डेट कैन बी असाइन टू द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब देखो जी, किस लेवल का काम आप इंटरनल ऑडिटर को दे सकते हो अगर आप उसे डायरेक्ट असिस्टेंस के रूप में लगा रहे हो तो। ओके, मैं कहता हूं अगर मान लीजिए कहीं पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो वो काम तुम करोगे या उसे दोगे? तुम करोगे, तो उसे वो मत दो। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए जहां पर थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा है, थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा है मतलब उसका अगर मान लीजिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है डायरेक्टर का रिश्तेदार है, तो फिर क्या उसको कोई इंपॉर्टेंट काम दे सकते हो? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट काम बिल्कुल मत देना उसे। इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी देख लेना। ठीक है जी, आगे। अब ये पॉइंट कहता है, हाँ जी, ये पॉइंट कहता है जी, हम कह रहे हैं, हम कर कह रहे हैं फिलहाल देखना, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क दैट कैन बी असाइन टू इंटरनल ऑडिट फंक्शन। हमने सबसे पहले कहा एक्सटर्नल ऑडिटर आपको कंसीडर करना चाहिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस लेवल का है और उस बंदे की ऑब्जेक्टिविटी पे कितना ज्यादा थ्रेट है। ठीक है जी, उसके बाद सेकेंड पॉइंट कहता है एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन को यूज नहीं करेगा एज अ डायरेक्ट असिस्टेंट टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर्स। हाँ जी, कुछ प्रोसीजर्स में आप उसके द्वारा किए गए काम मतलब उसको डायरेक्ट असिस्टेंस के रूप में बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। कहां कहां पर? पहला, ऐसी एंटिटीज में, ऐसे एक्टिविटीज में जहां पर सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वगैरह, ऐसे केसेस में। दूसरा, जहां पर हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तीसरा, जहां पर डायरेक्ट रिपोर्टिंग होनी है मैनेजमेंट या TCWG को, उसके द्वारा किए गए काम को यूज मत करना। ठीक है जी, आइए दोबारा समझते हैं क्या लिखा है आपने। कहता है जी, अगर मान लिया एक्सटर्नल ऑडिटर डिसाइड करता है कि मैं उसे डायरेक्ट असिस्टेंस के रूप में यूज कर रहा हूं इंटरनल ऑडिटर को, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या आप उसको डायरेक्ट असिस्टेंस के रूप में यूज कर सकते हो या नहीं। और मैं कहूंगा कि आप यूज नहीं कर सकते अगर अगर उसका ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट है या फिर वो लैक करता है कॉम्पिटेंस, तो आप उसको काम को यूज मत करना। बट अगर आप उसके काम सॉरी आप उसको साथ में एम्प्लॉय मत करना, बट अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हो तो फिर सेकंड पॉइंट चेक करो कि उसे कौन सा काम दिया जा सकता है। ये कैसे चेक करोगे? सबसे पहले चेक कर लेना कि उस काम में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस लेवल का है। ज्यादा है तो बिल्कुल मत देना, कम है तो ठीक है दे सकते हो। दूसरा, उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट किस लेवल का है, मतलब वो डायरेक्टर से सवाल जवाब कर पाएगा या नहीं, ये भी तो है अगला मुद्दा। अगली बात, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन को डायरेक्ट असिस्टेंस के रूप में यूज बिल्कुल नहीं करेगा कुछ कामों के लिए, फॉर एग्जाम्पल जहां जहां पर सिग्निफिकेंट जजमेंट है, जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, जहां पर ऐसा काम है जहां पर डायरेक्ट रिपोर्टिंग करनी है मैनेजमेंट और TCWG को, वहां उसके द्वारा वहां उसको यूज मत करना। अगली बात, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को अगर आप यूज करना चाहते हो, अगर आप उनको डायरेक्ट असिस्टेंस के रूप में यूज करना चाहते हो, तो एक्सटर्नल ऑडिटर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, रिटन एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ऑब्टेन द रिटन एग्रीमेंट विद द एंटिटी। वो क्या,
कि भाई साहब इंटरनल ऑडिटर जब तक एक्सटर्नल ऑडिट में मेरे साथ इन्वॉल्व है तब तक वो मेरी इंस्ट्रक्शन को मानेगा और किसी के इंस्ट्रक्शन को नहीं मानेगा, और कोई मैनेजमेंट में या TCWG में उस इंस्ट्रक्शंस के अंदर इंटरवीन नहीं करेगा कि रिटर्न एग्रीमेंट ले लो जरा एंटिटी के साथ, ठीक है जी। दूसरी, रिटर्न एग्रीमेंट फिर कर लो जरा इंटरनल ऑडिटर के साथ भी कि वो जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट उसे कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, उसे लीक नहीं करेंगे। तीसरा, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट करो एज पर द SA 220। ध्यान रखना आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आपकी आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रखने हैं, तो इसलिए SA 220 में जो भी गाइडेंस की जरूरत है उसे गाइड करो और क्वालिटी मेंटेन कंट्रोल के जो स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन रखो, ठीक है जी। अगली बात हो गया, चलो जी अब हम आते हैं अगले एसए की तरफ जिसका नाम है SA 530, नाम है जिसका ऑडिट सैंपलिंग। ओके हाँ जी, अब हम आते हैं अगले एसए की तरफ जिसका नाम है SA 530, डेट इज ऑडिट सैंपलिंग। अब सबसे पहली बात, सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, आइएगा सैंपलिंग क्या होता है। सबसे पहले सैंपलिंग का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। जब आप अच्छा सैंपलिंग कब कहलाएगी, जब आप 100% ट्रांजैक्शन को चेक कर रहे हो तो सैंपलिंग है, या लेस देन 100% पे सैंपलिंग है, ऑब्वियसली लेस देन 100% तभी तो सैंपलिंग है। तो यानी कि जब आप ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो टू द लेस देन 100% आइटम विद इन अ पॉपुलेशन, मतलब ऑल द ट्रांजेक्शन, जितने ट्रांजेक्शन है ना दे आर कॉल्ड एज पॉपुलेशन। 10,000 ट्रांजेक्शन तो मतलब पॉपुलेशन साइज क्या है 10,000, उसमें से लेस देन 100% को चेक करना इज कॉल्ड सैंपलिंग। इस तरीके से कि हर सैंपलिंग यूनिट का इक्वल चांस है ऑफ गेटिंग बीन सिलेक्टेड, ठीक है जी, और सो एज टू प्रोवाइड द ऑडिटर, ताकि जिसके बेसिस पर ऑडिटर एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सके, रीजनेबल बेसिस ऑफ कंक्लूजन दे सके, ठीक है। तो लेस देन 100% डेटा इस तरीके से उठाना वो डेटा कि हर आइटम का इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड है और ऑडिटर रीजनेबल बेसिस ऑफ कंक्लूजन अपना दे सके। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेटिस्टिकल टेक्निक, सैंपलिंग टेक्निक कौन कौन सी है, पहले तो है स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग और दूसरा नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग। स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग टेक्निक कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल an approach which involve the random sampling or use of the probability theories, मतलब जहाँ पर different sampling techniques का आप use करते हो। हर एक को तो इन techniques की knowledge होती नहीं, तो फिर हर बंदा तो इसे use नहीं कर सकता क्योंकि more complex to understand है and not suitable for the audit staff जिनके पास इतनी technical knowledge ना हो। मगर एक बात है कि जब आप सैम्पलिंग टेक्निक का जिनका अब हम पढ़ने भी वाले हैं, अगर आप उनका यूज़ करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो बहुत साइंटिफिक होगा, एंड जो रिजल्ट ऑफ सैंपलिंग है वो बड़ा रीजनेबल मैनर के अंदर आप रिलाय कर सकते हो, आप बिल्कुल सही चीज होगी ये। एंड सैंपलिंग साइज जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो सैंपलिंग साइज भी बढ़ाओगे, नहीं नहीं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं और जहां पर आपको सैंपलिंग साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। परंतु अगर इसका ऑपोजिट कर दो तो बनता है नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग, जिसमें नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको कहता है कि भाई एक काम कर, रामलाल के पास जा रहा है ना ऑडिट करने, देख लियो उसके मामे की जो ट्रांजेक्शन है वो जरूर चेक करियो, एक चाचे से ट्रांजेक्शन होती है, चाचे का नाम है कालूमल, उस ट्रांजेक्शन को चेक कर लियो, बस इन दो का चेक कर लियो, बाकी तो सब ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, कोई सैंपलिंग नहीं, कुछ नहीं, बस आपका जो ऑडिटर का एक्सपीरियंस है पिछले साल का, बस वही आपको गाइड कर रहा है कि हाँ जी ऐसे ऐसे चेक करना है। मतलब एन अप्रोच विच डज नॉट हैव फीचर ऑफ द रैंडम सिलेक्शन और द यूज ऑफ द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कोई ऐसी थ्योरी दूर दूर तक यूज नहीं की गई। सैंपलिंग साइज आर नॉट आर डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिटर एक्सपीरियंस, मतलब कितनी ट्रांजेक्शन चेक करनी है वो ऑडिटर के पिछले एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, और ये ट्रेडिशनल मेथड है सैंपलिंग का। मतलब इसको समझने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट तो कुछ चाहिए नहीं, ये तो सिंपल टू ऑपरेट है, पता लगा मुझे कालूमल और मामा जी की ट्रांजेक्शन चेक करनी है, इजिली अंडरस्टैंडेबल है बाय द ऑडिट स्टाफ, मतलब उन्हें अब ट्रांजेक्शन चेक करने में दिमाग लगाना है, सैंपलिंग टेक्निक में तो दिमाग नहीं लगाना, बट ये लेस रिलायबल है, साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, एंड सैंपलिंग साइज में नॉट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। भाई सब जरूरी थोड़ा ना मामा जी और कालूमल की ट्रांजेक्शन जो है वो एक्चुअल में क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्लाइंट की कुछ एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन थी, क्लाइंट की कुछ और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी जो आपने चेक ही नहीं की, ठीक है ना। तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के ये रिस्क भी है। फिर अब सवाल उठा पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा जी जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है क्लाइंट की दे आर कॉल्ड एज पॉपुलेशन। हाँ जी, इट रिप्रेजेंट द एंटायर सेट ऑफ डेटा,
इट रिप्रेजेंट एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच अ सैंपल इज सिलेक्टेड. एंटायर सेट ऑफ डेटा जिसमें से आप सैंपल साइज कलेक्ट करोगे और कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, वो एंटायर सेट ऑफ डेटा क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है. अब पॉपुलेशन में ऑडिटर आपको तीन चीजें चेक करनी पड़ेंगी. पहला, पॉपुलेशन के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. पहला, पॉपुलेशन ऐसी हो जिसमें कुछ छूटा ना हो, मतलब वो कंप्लीट हो. कंप्लीट हो तो ऑडिटर तुम्हें प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे ये चेक करने के लिए कि पॉपुलेशन या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कंप्लीट है या नहीं है. दूसरी बात, कुछ झूठा ना हो, मतलब एकदम एक्यूरेट हो, एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो. तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर कि अगर इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर सही है तो इसका मतलब फर्जी इनवॉइस बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है और आप रिलायबल पॉपुलेशन के ऊपर रिलाय कर सकते हो. और तीसरा, पॉपुलेशन सही हो, मतलब फॉर एग्जांपल एप्रोप्रिएट हो पॉपुलेशन. अगर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है, एग्जांपल जो भी ऐसे लिखे हो ना एग्जांपल, उसे कोट करके आना है. अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का कि वैलिडिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, मतलब मुझे डेटर के बैलेंसेस को चेक करना है, तो मैं कौन सी पॉपुलेशन उठाऊंगा, क्या कैश सेल या फिर क्रेडिट सेल? क्रेडिट सेल्स. तो सैम्पलिंग यूनिट कुड बी डिफाइंड एज द क्रेडिट सेल डेटा. तो पॉपुलेशन में केवल क्रेडिट सेल की आइटम आनी चाहिए, तो ये कहा जाएगा एप्रोप्रिएट. तो तीन फीचर होने चाहिए पॉपुलेशन के, ध्यान रखना. अब उसके बाद हम कुछ टेक्निकल सैम्पलिंग टेक्निक पर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरी पहली टेक्निक है स्ट्रेटिफिकेशन. अब स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मान लीजिए ICI एक सर्वे कंडक्ट करना चाहता है कि हमने जो स्टडी मटेरियल बनाया है वो कितना अच्छा है. टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड विद ICI है 500,000. अब सैंपल साइज उठाया जाना है ICI के द्वारा 1000. तो ऑप्शन नंबर वन ये बनता है कि 500,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू हर 500 में स्टूडेंट से पूछना शुरू कर दो. बट उसमें एक प्रॉब्लम है, वो क्या? फाउंडेशन लेवल का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा बना है, इंटर का ठीक बना है, फाइनल का बड़ा गंदा बना है. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है तीनों लेवल का अच्छा बना है. हाँ जी, फाउंडेशन का बहुत अच्छा बना है, इंटर का ठीक बना है, फाइनल का बहुत बुरा बना है. अब आप हर 500वां स्टूडेंट उठा रहे हो, क्या ये पॉसिबल है कि हर 500वां स्टूडेंट, हर 500 स्टूडेंट फाउंडेशन का निकल जाए और वो कहे जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो आपने कंक्लूजन सबके बारे में निकाल दिया, क्या ये गलत नहीं है? गलत है. तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप अगर पॉपुलेशन को प्रॉपर ग्रुप्स में बांटो, और ये ग्रुप्स में पॉपुलेशन को बांटना इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. तो सोचो जी मैंने ग्रुप्स में कैसे बांटा, मैंने कहा जी एक फाउंडेशन का ग्रुप, एक इंटर का ग्रुप, एक फाइनल का ग्रुप, उनके अंदर अलग अलग पॉपुलेशन रखी और उसमें से सैंपल साइज उठाया. अब बढ़िया रहेगा, यस, ठीक है ना. सिमिलरली मैंने कहा जी टोटल सेल्स ट्रांजैक्शन है 100,000, तो सैंपल साइज कितना उठाना है मैंने? 100 का सैंपल साइज उठाना है. अच्छा, अब मैं इसको ग्रुप्स में बांट सकता हूं. फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन बता दो, डोमेस्टिक बता दो. तो मैंने एक्सपोर्ट का पॉपुलेशन अलग किया, डोमेस्टिक का पॉपुलेशन अलग किया और उसमें से सैंपल साइज उठा रहा हूं. समझ आया? तो इसे कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन. तो मतलब ये एक तरीके का मेथड है सैंपलिंग का, और इस मेथड के अकॉर्डिंग ऑडिट एफिशिएंसी में भी इंप्रूव्ड, मतलब अच्छा ऑडिट होगा कब? अगर ऑडिटर स्ट्रेटिफाई कर देगा पूरी पॉपुलेशन को, मतलब ग्रुप्स में बांट देगा पूरी पॉपुलेशन को बाय डिवाइडिंग इनटू अ डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन. कीवर्ड है ध्यान रखना, बाय डिवाइडिंग इट इनटू अ डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन. डिस्क्रीट मतलब अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर, जिनका जिनके आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स रहेंगे. मतलब ग्रुप ए अगर फाउंडेशन का है तो उसमें केवल फाउंडेशन वाले रहेंगे, ग्रुप बी इंटर का है तो केवल इंटर वाले रहेंगे. ठीक है जी. While performing the test of detail, the population is generally या often stratified by the monetary value. यानी कि जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे होते हो तो उस टाइम नॉर्मली जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो अमाउंट के बेसिस पे किया जाता है. फॉर एग्जांपल सेल्स डेटा 100,000 से नीचे वाला, 100,000 से 500,000 वाला, 500,000 से ऊपर वाला. अब आपको बड़ी मदद मिली, आप केवल ये 500,000 से ऊपर वाला डेटा है ना, इसकी मेजोरिटी सैंपल साइज इसमें से कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हुई तो फिर मिस स्टेटमेंट हो जाएगी. ठीक है ना.
दिस अलाउ ग्रेटर ऑडिट एफर्ट्स टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड द लार्ज वैल्यू आइटम एज दीज आइटम में कंटेन द ग्रेटर पोटेंशियल ऑफ द मेटीरियल मिसस्टेटमेंट. ठीक है जी. सिमिलरली स्ट्रेटिफिकेशन एक और तरीके से भी हो सकता है जहां पर हायर रिस्क ऑफ मेटीरियल मिसस्टेटमेंट हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए डेटर्स में अगर मुझे डेटर्स का देखना है कि एनपीए कितने हैं बैंकों के, तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंकों के एनपीए को देखने के लिए, एनपीए की पॉसिबिलिटी को देखने के लिए डेटर एजिंग रिपोर्ट मंगाऊंगा. हाँ जी, 31 to 60, 61 to 90, मोर देन 90. अब क्या मैं कह सकता हूं कि अब यहां पर भी मुझे बड़ी मदद मिलेगी? यस. यानी कि मेरे को एक बड़ी मदद मिलेगी ये पता लगाने के लिए कि कितनी पॉसिबिलिटी ये है कि ये लोग यहां पर चले जाएं. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं. तो यानी कि मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से भी स्ट्रेटिफाइड किया जा सकता है. सिमिलरली स्ट्रेटिफाई करने का एक और तरीका ये भी है कि मतलब किसी और ऐसे ग्रुप में बांटो जिससे हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी पता लग सके. तो ये भी एक तरीका है स्ट्रेटिफिकेशन का. उसके बाद जो आप पार्टिकुलर ग्रुप से जो रिजल्ट निकालते हो वो उसी ग्रुप के लिए वैलिड है. फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन के बच्चे कहते हैं स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, तो इस रिजल्ट को आप इंटर या फाइनल वालों के लिए नहीं कह सकते. यानी कि रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू द सैंपल विद इन द स्ट्रेटम यानी कि विद इन द ग्रुप कैन ओनली बी प्रोजेक्टेड टू द आइटम दैट मेकअप दैट स्ट्रेटम. यानी कि जो भी आप कंक्लूजन निकाल रहे हो दैट कंक्लूजन इज ओनली इफेक्टिव फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप ओनली. मतलब सबके ऊपर, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर नहीं लगेगा वो. ठीक है जी. फिर आता है हमारा सेकेंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग कॉल्ड एज अ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन. अब वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में क्या होता है कि आप पहली बात तो ग्रुपिंग नहीं करते, यहां पर इंडिविजुअल आइटम ही रखते हो. मतलब ग्रुपिंग नहीं करते, इंडिविजुअल आइटम ही रखते हो, तो फिर इन आइटम्स में से सिलेक्शन कैसे होता है ये देखिएगा. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये डिफरेंट वर्कर्स हैं, ये इनकी वेजेस हैं, इन वेजेस को क्यूमुलेट किया मैंने. अब ऑडिटर ने कहा कि जहां मैं रखूंगा 1000 का डिफरेंस, मतलब जहां पे भी वेजेस में, क्यूमुलेटिव वेजेस में 1000 का डिफरेंस होगा 1000 का, मैं उन सैंपल यूनिट को पिक करूंगा. ये ऑडिटर का कहना था. ठीक है जी. अब ऑडिटर ने क्या किया देखो, 200, 600, 1400 वेजेस पे आओ जरा, दोनों को साथ साथ लेके चलो. मैंने कहा जी 200, 400, 800 ऐसे ही क्यूमुलेटिव ले रहा हूं मैं, 200, 600, 1000. हाँ जी, 1000 क्रॉस हो गया क्या? 1000 क्रॉस हो गया. जैसे ही 1000 क्रॉस होगा, जिस भी यूनिट पे 1000 क्रॉस होगा, मैं उस यूनिट को कंसीडर कर लूंगा. तो आपने इसको कंसीडर कर लिया. अब 1400 पहली यूनिट है जहां पर 1000 क्रॉस हुआ था. उसके बाद अब कब क्रॉस होगा? 1400 के बाद 1000 प्लस कर दो तो हुआ 2400. 2400 कहाँ क्रॉस हो रहा है? लो, एग्जैक्ट 2400 आ गया, इस यूनिट को सिलेक्ट कर लिया. अब 2400 के बाद 1000 प्लस करो, 3400 कहाँ आ रहा है? ये रहो, 3700 पे आ गए हम. लो जी, 3700 के बाद 1000 प्लस करो तो 4700 कहाँ आ रहा है? ये 4800, ये आ गया. अब क्योंकि आपने 1000 का डिफरेंस सिलेक्ट किया है, अब 1000 कैसे निकाला वो ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है. ठीक है, तो अब मैं ये आइटम्स के ऊपर प्रॉपर चेकिंग करूंगा. इसे कहते हैं वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन. ठीक है जी. अब देखिएगा, कहता है व्हाइल परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ डिटेल्स इट मे बी एफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द सैंपलिंग यूनिट एज द इंडिविजुअल मॉनिटरिंग यूनिट. सैंपलिंग यूनिट कैसे सिलेक्ट करोगे? इंडिविजुअल मॉनिटरिंग यूनिट के रूप में ग्रुपिंग नहीं होगी. डेट मेकअप द पॉपुलेशन, यानी कि इंडिविजुअल मॉनेटरी यूनिट ही पॉपुलेशन आपका साइज बनाएगी, जिसको आप मतलब उसी पॉपुलेशन बनाएगी जिसको आप चेक करने जा रहे हो. आगे यानी कि कोई ग्रुप में क्लासिफिकेशन नहीं होगा. फिर अपॉन द सिलेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक मॉनिटरिंग यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑडिटर में देन एग्जामिन द पर्टिकुलर आइटम. जैसे आपने इन आइटम को सिलेक्ट किया, अब इनके ऊपर प्रॉपर डिटेल अपना ऑडिट प्रोसीजर आप अपना लो. फिर वन बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच इज डेट कि ऑडिट एफर्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द लार्जर वैल्यू आइटम. क्या आपको नजर आ रहा है?
आपने ये जो साइज सिलेक्ट किए हैं, ये कौन कौन से वर्कर हैं? ये वर्कर है जिसकी सैलरी 800 रुपए थी, पिछले वाले की 200, 400, अगले की 300 या 800। ओह, फिर ये सिलेक्ट किया, इसकी सैलरी कितनी है? 700। ओह, फिर इसकी सैलरी कितनी है? 900। माय गॉड। तो यानी कि ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि अगर आपने 1000 का डिफरेंस रखा है, पॉसिबल है कि आप बड़ी बड़ी आइटम सिलेक्ट कर लोगे, यानी कि लार्जर आइटम्स को आप सैंपल यूनिट बना बैठोगे, इसके चांसेस ये हैं, इसका ये बेनिफिट है। ठीक हो गई इतनी बात, बढ़ सकते हैं आगे। अब हम पूरी की पूरी सैंपलिंग प्रोसेस की एक बार डिस्कशन कर रहे हैं, पूरी की पूरी सैंपलिंग प्रोसेस कैसे चलती है। चलिए जी, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सैंपल को डिजाइन कैसे किया जाता है। आइएगा सैंपल के डिजाइनिंग पर आते हैं। सैंपल के डिजाइनिंग मैंने कहा कि सीए स्टूडेंट है 5 लाख, उनको मैंने फाउंडेशन, इंटर, फाइनल में बांटा, तो ये क्या है? सैंपल का डिजाइन करना। सर इसने तो आपने स्ट्रेटिफिकेशन कहा, हाँ तो स्ट्रेटिफिकेशन सैंपल डिजाइनिंग का ही तो पार्ट है। ठीक है, तो सैंपल के डिजाइनिंग का मतलब क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग ऑडिटर कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगा सकता है? पहला स्ट्रेटिफिकेशन और दूसरा वैल्यू वेटेड, दोनों हम समझ चुके हैं। चलिए, व्हेन डिजाइनिंग एन ऑडिट सैंपल, आगे अब ऑडिटर कौन कौन से पॉइंट को कंसिडर करेगा, यानी कि ऑडिटर्स कंसिडरेशन इंक्लूड द स्पेसिफिक पर्पस टू बी अचीव्ड। मतलब आप सबसे पहले ये देखिएगा कि आपका पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए डेटर के बारे में कंसिडर कर रहे हैं तो स्ट्रेटिफिकेशन लगाइए। अगर आप नॉर्मल ही कोई सैम्पलिंग कर रहे हैं, नॉर्मल डेटा का अगर आप कर रहे हैं जहां पर सारी डोमेस्टिक सेल है, तो वैल्यू वेटेड एवरेज निकाल लीजिए। तो मतलब आपका सबसे बड़ा कंसिडरेशन जब भी आप ऑडिट सैंपल तैयार करेंगे तो ये रहेगा कि आपका पर्पस क्या है एंड द ऑडिट प्रोसीजर दैट आर लाइकली टू अचीव दैट पर्पस। कौन सा ऐसा ऑडिट प्रोसीजर होगा जो आपके पर्पस को पूरा करेगा, स्ट्रेटिफिकेशन वाला या वैल्यूएटेड वाला? तो सबसे पहले इनमें से दोनों सैंपल साइज डिसाइड करते हुए, सबसे पहले क्या करेंगे आप सैंपल डिजाइन तैयार करते हुए? अपना पर्पस देखिए, पर्पस क्या है, फिर ऑडिट प्रोसीजर कौन सा अपनाएंगे जिससे ये पर्पस पूरा हो सके। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप देखिएगा कंसिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस सॉट या रिक्वायर्ड। मतलब आपको किस तरीके के ऑडिट एविडेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे एविडेंस चाहिए कि फाउंडेशन की बुक जो है वो सही है, इंटर की बुक सही है या फाइनल की बुक सही है कि नहीं, तो मैं सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, पक्की बात है। फिर In fulfilling the requirement of SA 500, that is audit evidence, auditor shall perform the procedure to perform the evidence that the population from which the sample is drawn is complete. मतलब आप सबसे पहले ये भी देख लीजिएगा कि भैया SA 500 के अनुसार audit evidence प्राप्त कर लीजिएगा कि भाई जो आप population size जिसके ऊपर आप sampling निकालने वाले हैं, चाहे आप stratification लगा रहे हैं या evaluated system लगा रहे हैं, क्या वो sample size पूरा है कि नहीं है, मतलब population में सारी चीजें पूरी हैं कि नहीं है, यानी कि the population from which the sample निकालना है आपने वो complete है कि नहीं, पहले ये चीज भी देख लीजिएगा। तो बराबर बोलते हैं, हमने कहा जी हम क्या कर रहे हैं, सैंपल की डिजाइनिंग कर रहे हैं। कौन सी चीजें कंसीडर की जाएंगी सैंपल डिजाइनिंग करते हुए? स्ट्रेटिफिकेशन या वैल्यूएटेड। अब व्हेन डिजाइनिंग एन ऑडिट सैंपल, ठीक है जी, अगर डिटेल में आता है तो दोनों को एक्सप्लेन करना है, स्ट्रेटिफिकेशन वैल्यूएटेड को। ठीक है, उसके बाद फिर ऑडिटर का कंसिडरेशन में इंक्लूड होगा, पहला ऑडिटर क्या पर्पस अचीव करना चाहता है इस सैंपलिंग करके, और दूसरा वो ऑडिट प्रोसीजर कौन सा अपनाना चाहता है, कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा इस पर्पस को अचीव करने के लिए। फिर कंसिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस, उसे किस तरीके के ऑडिट एविडेंस चाहिए, किस तरीके के ऑडिट एविडेंस उसे चाहिए। थर्ड, इन फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 500 ऑडिट एविडेंस, एसए 500 क्या कहता है, ऑडिटर को ये प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि वो पहले एविडेंस कलेक्ट कर सके इस चीज का कि जो पॉपुलेशन है जिसमें से सैंपल निकाला जाना है, क्या वो पॉपुलेशन कंप्लीट है कि नहीं है। उसके बाद अब हम आते हैं सैंपल डिजाइन के बाद, सैंपल का साइज। सैंपल का साइज कई चीजों पर डिपेंड करता है भाई साहब। सैंपल साइज शैल बी एसर्टेन इन अ मैनर ताकि वो सफिशिएंटली आप ओपिनियन दे सको, ताकि सैंपलिंग रिस्क जो है वो अप्रोप्रिएट लो लेवल पे आ जाए। फॉर एग्जांपल, सैंपलिंग रिस्क क्या होता है पहले तो ये समझिएगा। मैंने कहा जी टोटल डेटर है 500, आपने सैंपल उठाया 50 आइटम का, यानी कि पॉपुलेशन थी 500, आपने सैंपल उठाया 50 आइटम का, 50 आइटम आपने चेक की, उनके अंदर कोई भी मिसट्रीटमेंट आपको नहीं मिली।
आपने कंक्लूजन निकाल दिया कि दस वी कैन कंक्लूड कि बाकी की 450 आइटम के अंदर भी कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, बट क्या ये पॉसिबल है कि बाकी की 450 आइटम्स के अंदर मिस स्टेटमेंट हो? यस, एंड दिस इज कॉल्ड एज, हमने इसे इनहेरेंट लिमिटेशन भी पढ़ा था, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैम्पलिंग रिस्क। ये सैम्पलिंग का रिस्क है। तो अब मैंने कहा कि सैंपल साइज कितना बड़ा होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा सैंपलिंग रिस्क पर भी, टॉलरेबल एरर पर भी। टॉलरेबल एरर, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मेरे पास 10,000 ट्रांजैक्शन है, मैंने कहा जी मेरे लिए 50,000 तक का अगर मिस स्टेटमेंट है तो वो टॉलरेबल है 50,000। अच्छा, अब उसके अंदर 10,000 ट्रांजेक्शन में से मैं कहता हूं 8,000 ट्रांजेक्शन थी जो कि 50,000 से ऊपर थी। ओके, अब मैंने कहा जी मेरा टॉलरेबल एरर जो है वो है 5,00,000, तो क्या मैं कह सकता हूं आइटम, जितना मैं टॉलरेबल एरर आगे लेता जाऊंगा उतना सैंपल साइज कम होता जाएगा? यस, तो सैंपल साइज इस चीज पे भी डिपेंड करता है। फिर एस्टिमेटेड एरर, आपका एस्टिमेटेड एरर ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर ऐसे 315 में मिलकर आपका एस्टिमेटेड एरर अगर ज्यादा है, यहां गड़बड़ी की संभावना ज्यादा है, सैंपल साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सैंपलिंग रिस्क पे, टॉलरेबल एरर पे और एस्टिमेटेड एरर पे डिपेंड करेगा। चलिए अब जिन बच्चों ने भी किया हुआ है एक बार प्लीज ये सारे एनालिसिस को गो थ्रू प्लीज कर लीजिएगा। मैं कंटेंट पे आ रहा हूँ, कंटेंट तो सारा रिकॉल करवा रहा हूँ, बट एनालिसिस एक बार कॉपीज को देख लेना, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता जाएगा। हाँ जी, ऑडिटर शैल डिटरमाइन अ सैंपल साइज, मतलब इतना सैंपल साइज तो जरूर उठा लेना ताकि आपका जो सैंपलिंग रिस्क है वो कम से कम आए। मतलब ऐसा भी ना हो कि आप केवल 10,000 ट्रांजेक्शन के ऊपर कंक्लूजन देने के लिए आपने 10 ट्रांजेक्शन उठाई और उनके बेसिस पे बाकी 9,990 ट्रांजेक्शन का आपने कंक्लूजन निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर सैंपलिंग रिस्क जो है कम से कम हो, इससे इसके इसके लिए जरूरी है कि एप्रोप्रिएट सैंपल साइज आप उठाएं ताकि सैंपलिंग रिस्क कम से कम हो। ठीक है जी, ऑडिटर शैल डिटरमाइन अ सैंपलिंग साइज जो कि सफिशिएंट इनफ हो टू रिड्यूस सैंपलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, लेवल ऑफ द सैंपलिंग रिस्क दैट द ऑडिटर्स इज विलिंग टू अफेक्ट। मतलब अब ये डिपेंड करता है आप कितने लेवल, कितने बड़े लेवल का सैंपलिंग रिस्क लेने को तैयार है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं सैंपलिंग में कि भाई मैं तो कम डेटा उठाऊंगा उसके बेसिस पे सबका कंक्लूजन निकालूंगा, तो इसका मतलब आप ज्यादा सैंपलिंग रिस्क ले रहे हैं। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं तो फिर आप कम साइज लीजिए, और अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार नहीं है ऑडिटर के रूप में तो आप सैंपल साइज बढ़ा दीजिए। समझ आ रहा है? द लेवल ऑफ सैंपलिंग रिस्क दैट द ऑडिटर इज विलिंग टू अफेक्ट अफेक्ट द सैंपल साइज रिक्वायर्ड, लोअर द रिस्क द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट। ऑडिटर कहता है मैं रिस्क लेने को तैयार नहीं हूं, सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा ताकि सैंपलिंग रिस्क कम से कम आए। ठीक हो गई इतनी बात। आगे एग्जाम्पल्स ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सैंपल साइज फॉर द टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अब देखो जी आपने दो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, एक कंप्लायंस मतलब इंटरनल कंट्रोल और एक सब्सटेंटिव मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल। ठीक है जी, तो जब टेस्ट ऑफ डिटेल आप कर रहे होगे ऑडिटर, जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे होगे तो कौन से फैक्टर आपके सैंपल साइज को सिलेक्ट को अफेक्ट करेंगे? ऐसे ही पहले टेस्ट ऑफ डिटेल देख रहे हैं, फिर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखेंगे। चलिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सैंपल साइज को आपके सैंपल साइज को इफेक्ट करेंगे जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हो? पहला, अगर ऑडिटर सोचता है, उसका असेसमेंट कहता है ऐसे 315 के अंदर की रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा है तो सैंपल साइज बढ़ जाएगा। क्लियर? दस वी कैन से डेट देयर विल बी एन इंक्रीज इन द सैंपल साइज इन केस ऑफ एन इंक्रीज इन द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ द रोम। सेकंड पे आइएगा, अगर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे ज्यादा रिलाय करने वाले हैं तो मतलब ज्यादा ट्रांजेक्शन चेक करने वाले हैं, ज्यादा ट्रांजेक्शन चेक करने वाले हैं तो सैंपल साइज बढ़ने वाला है। ठीक है ना? चलिए, तो इसका मतलब है ऑडिटर जो है इफ रिलाइंग ऑन द सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मोर रिलाइंग ऑन द सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तो फिर भाई साहब फिर सैंपलिंग की जरूरत ही क्या है, मतलब कम से कम जरूरत है आपको फिर। क्यों? क्योंकि आप तो सारी ट्रांजैक्शन चेक करने वाले हो, सारी ट्रांजैक्शन, द सैंपल साइज कैन बी हाँ जी
तो बड़े ध्यान से समझ लेना इसे एक बार। कहता जी अगर ज्यादा से ज्यादा आपने डिसाइड कर लिया है कि आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ही परफॉर्म करोगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब कि अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करोगे या फिर आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में यही दोनों आते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करोगे, तो भाई साहब सैंपलिंग पे रिलाय करने की आपको जरूरत क्या है? फिर तो आप सारी ट्रांजेक्शन वैसे ही चेक कर रहे हो, तो फिर एंड दस द सैंपल साइज कैन बी स्मॉलर, तो मतलब आप स्मॉलर सैंपल साइज को वैसे ही मतलब एक होता है ना एडिशनल चेकिंग के लिए कर सकते हो, अदरवाइज तो आप सारी ट्रांजेक्शंस को वैसे ही चेक कर रहे हो, तो सैंपल साइज को एडिशनल टेस्ट की तरह आप साइड पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एडिशन साइड बाय साइड उसे रख सकते हो। नेक्स्ट, ग्रेटर द लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट द ऑडिटर रिक्वायर। हाँ जी, अगर आप चाहते हो कि दिस इज मन से निकले, दिस इज द राइट चॉइस बेबी, आहा, तो ये निकलने के लिए ग्रेटर लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए, तो सैंपल साइज भी बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी तो ये एश्योरेंस निकलेगी। आगे, एन इंक्रीज इन द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, जितनी बड़ी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट होगी उतनी कम ट्रांजेक्शन आएंगी पकड़ में, विल डिक्रीज द सैंपल साइज, एज लोअर द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट जितनी नीचे होगी द लार्जर द सैंपल साइज वुड बी। तो जितना टॉलरेबल एरर का आपका एक्सपेक्टेशन आप आगे लेके जाओगे लेवल, उतनी ट्रांजैक्शन कम होती जाएंगी, सैंपल साइज कम होता जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात भी? आगे, फिर ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर एक्सपेक्ट। हाँ जी, एक्सपेक्टेड एरर, अगर आप ज्यादा मिसस्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर ज्यादा सैंपल साइज पकड़ना, फिर अगर आपका मिसस्टेटमेंट का लेवल एक्सपेक्टेड लेवल ज्यादा है। आगे, अगर स्ट्रेटिफिकेशन आपने परफेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल फाउंडेशन इंटर फाइनल परफेक्टली डाला है, बांटा है, तो फिर सैंपल साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और परफेक्ट रिजल्ट आपका दे देगा। फिर ये हमने किया वो फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सैंपल साइज फॉर द टेस्ट ऑफ डिटेल। अब हम करने जा रहे हैं वो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं सैंपल साइज फॉर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। हाँ जी, पहली बात, More assurance the auditor intend to operate from the operating effectiveness of the control. अगर internal control को check करके auditor ज्यादा से ज्यादा assurance लेना चाहता है, तो क्या मैं कह सकता हूं फिर sample size internal control में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा? Godown के अंदर कितने दिन तक guard खड़ा रहता है, मुझे देखना है कि चोरी क्यों हो रही है, तो मैं उसकी अटेंडेंस ज्यादा से ज्यादा दिन की चेक करूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा चेक करूंगा तभी तो मेरा ज्यादा से ज्यादा रिलायंस हो पाएगा, तभी तो मैं मोर एश्योरेंस प्राप्त कर पाऊंगा कि ऑपरेटिंग इफेक्ट। अगर आप चाहते हो ये चेक करना कि इंटरनल कंट्रोल एकदम सही हो, ज्यादा एश्योरेंस आप देना चाहते हो, तो फिर सैंपल साइज बढ़ा दो। आगे, व्हेन ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रोम इंक्लूड एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, मतलब अगर जब आपने असेसमेंट ऑफ रोम किया तो क्या हुआ, आपने आपको पता लगा कि हाँ जी इंटरनल कंट्रोल तो है, आपने जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किया, रोम किया मतलब एसए 315 के अंदर, तो आपको पता लगा इंटरनल कंट्रोल तो है, तो आप उसे चेक करेंगे, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करने वाले हैं, अगर आप इंटरनल कंट्रोल पे बहुत ज्यादा रिलाय करने वाले हैं, क्योंकि आप ज्यादा रिलाय करेंगे इंटरनल कंट्रोल पे और वो स्ट्रांग निकला तो सब्सटेंटिव कम करना पड़ेगा, तो अगर आप इंटरनल कंट्रोल पे ज्यादा रिलाय कर रहे हो तो सैंपल साइज अपना बढ़ा देना, बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है, आगे, टॉलरेबल एरर बिल्कुल सेम है, अगर टॉलरेबल एरर का लेवल ज्यादा है सैंपल साइज कम हो जाएगा, और टॉलरेबल एरर का लेवल कम है तो सैंपल साइज बढ़ जाएगा। फिर where there is an expected increase in the expected rate of error, अगर expected rate of error आपका entity में ज्यादा लग रहा है, sample size बढ़ा दो, and vice versa। ठीक है जा, ठीक है जी, चलिए, तो ये हमने कहा sample के बारे में, हमने sample design कर दिया, sample size देख लिया, अब आता है sample का selection कैसे करना है। अब sample के लिए अब आपको select करना है population में से, तो इसके लिए different methods हैं हमारे पास ऐसे 530 के अंदर, जिनमें से पहला method हम देखने जा रहे हैं random sampling। random sampling का मतलब होता है ऐसा method जिसमें हर unit का equal chance of getting selected है,
इस मेथड को मैं आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला है सिंपल रैंडम सैंपल। सिंपल रैंडम सैंपल मतलब मटके के अंदर पर्चियां डाली हैं, मटके में से एक पर्ची उठाई, हर आइटम का इक्वल चांस है, दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। ठीक है जी, ये कंप्यूटर की मदद से भी किया जा सकता है या फिर कोई पिकअप नंबर किया जा सकता है, मगर ये मेथड ज्यादातर तभी सूटेबल रहेगा जब होमोजेनियस पॉपुलेशन हो, मतलब सारी डोमेस्टिक सेल्स की ट्रांजैक्शन हो। अगर उनके अंदर एक्सपोर्ट भी है डोमेस्टिक भी है तो ये मेथड ज्यादा सही नहीं रहेगा। ठीक है जी, फिर मेरे पास आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर हमारे पास आता है, ये तो हो गया हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक सिंपल। अब आती है सिस्टमेटिक सैंपल टेक्निक। सिस्टमेटिक सैंपल टेक्निक में क्या होता है देखिएगा, ऑडिटर ने कहा 10,000 ट्रांजैक्शन है तो मैं हर 200 आइटम में टोटल 200 आइटम्स पिक करनी है, मुझे चेक करनी है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 200 मतलब हर 50th आइटम को वो पिक करने वाला है। पहली आइटम कौन सी होगी, वो कुछ भी किसी भी आइटम को उठा सकता है, मतलब दिस इज कॉल्ड हेफाजेडली, किसी भी आइटम को वो उठा सकता है। ठीक है जी, चले इन दिस मेथड नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट जितनी भी पॉपुलेशन में है डिवाइड कर दिया गया सैंपल साइज से जो आपको चाहिए टू गिव अ सैंपलिंग इंटरवल, ताकि आपका इंटरवल निकल सके। फॉर एग्जाम्पल 50 एंड हैविंग डिटरमाइंड अ स्ट्रेटिफाइड पॉइंट विद इन फर्स्ट 50, अगर आपका सैम्पलिंग आपने साइज निकाला है, सैम्पलिंग जो आप साइज निकाल रहे हो वो 50 है और टॉप 50 के अंदर पहले 50 के अंदर आपने कोई भी एक नंबर पहले सिलेक्ट कर लिया हैफाजेडली, उसके बाद फिर जैसे 40th सिलेक्ट किया, 40th के बाद 90 के बाद 140, ठीक है ना, इवन दो स्टार्टिंग पॉइंट में भी सिलेक्टेड हैफाजेडली। आगे फिर कहता है सैंपलिंग इज मोर लाइकली टू बी ट्रूली रैंडम इफ इट इज डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड रैंडम नंबर, मतलब मैनुअली मत करो, अच्छा रहेगा कि आपने कंप्यूटर में कमांड डाल दो कि हर 50वीं आइटम उठा के दे दे आपको, तो कंप्यूटर आपको उठा के दे देगा। अब ये कब यूज की जानी चाहिए, व्हाइल यूजिंग द सिस्टमैटिक सिलेक्शन ऑडिटर वुड नीड टू डिटरमाइन दैट सैंपलिंग यूनिट विद इन द पॉपुलेशन आर नॉट स्ट्रक्चर्ड इन अ मैनर दैट सैंपलिंग इंटरवल कॉरेस्पॉन्ड विद अ पार्टिकुलर पैटर्न। पैटर्न नहीं होना चाहिए तब जाके सही होगा। फॉर एग्जाम्पल पैटर्न, 1 से लेकर 3 लाख तक केवल फाउंडेशन के बच्चों का डेटा है, उसके बाद 3 लाख से 4 लाख तक इंटर का डेटा है, ये पैटर्न है कि पहले इनका डेटा फिर उनका डेटा फिर इनका डेटा, वहां ये यूज नहीं हो सकती, वहां ये टेक्निक काम नहीं करेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद वैल्यू वेटेड सिलेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर हैफाजेड सिलेक्शन। हैफाजेड सिलेक्शन का मतलब है कि भाई साहब आप एक काम करो, सारी टेक्निक गई जो ऊपर डिस्कस की है तेल लेने के लिए, कोई टेक्निक यूज नहीं करनी, ऑडिटर कुछ भी ना देखते हुए केवल पॉपुलेशन में से अपने आप आइटम उठाता जाएगा, हर आइटम का पॉपुलेशन में इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन है। ठीक है ना, तो अपने आप सैंपलिंग यूनिट उठाता रहेगा। फिर उसके बाद आता है मेरे पास ब्लॉक सिलेक्शन, और बकवास सैंपलिंग टेक्निक है। अब होता क्या है, मान लीजिए ऑडिटर को, ऑडिटर वांट सैंपल ऑफ 100 ट्रांजैक्शंस, ठीक है, टोटल ट्रांजैक्शन है T1 से लेकर T10,000 तक, तो वो ब्लॉक्स उठाएगा। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक उठाया T1 से T50 ब्लॉक 1, ऐसे ही N95 से N1000 ब्लॉक 2। अब इसे कहते हैं ब्लॉक सिलेक्शन, मतलब इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द आइटम विद इन द पॉपुलेशन। ओके, अब ब्लॉक सिलेक्शन कैन नॉट बी यूज इन द ऑडिट सैंपलिंग नॉर्मली, क्यों, एज मोस्ट पॉपुलेशन आर स्ट्रक्चर्ड सच दैट द ईच आइटम इन द सीक्वेंस कैन बी सिलेक्टेड टू हैव द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल क्या ये पॉसिबल है कि जब मेरे पास, मैं मान लीजिए रिटेल में, रिटेल भी करता हूँ होलसेल भी करता हूँ, तो मेरे पास रिटेल के क्लाइंट आ रहे हैं सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक रिटेल के क्लाइंट आई जा रहे हैं, एक दिन में 3,000 ट्रांजेक्शन मेरी रिटेल की रिकॉर्ड हो गई, अचानक एक ट्रांजेक्शन मेरे पास एक्सपोर्ट की आई, तो मैंने वो एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन अलग कर दी, मतलब एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी। अब हुआ क्या, पहली 50 आइटम रिटेल की आ गई, फिर अगले 50 का ब्लॉक फिर रिटेल का आ गया, भाई साहब क्या ये पॉसिबल है कि वो जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो तो छूट ही जाएगा?
क्योंकि आप जब ब्लॉक का सिलेक्शन करोगे तो ईच आइटम इन द सीक्वेंस कैन बी सिलेक्टेड टू हैव द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। क्या ये पॉसिबल है कि सबके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाली आपका सैंपल साइज उठ जाए? तो डिस्क्रीट पॉपुलेशन आपको पता ही ना लगे भाई, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जितना बेहतरीन कोई नहीं है, ध्यान रखना। तो फिर जो डिस्क्रीट अलग कैरेक्टरिस्टिक वाली है वो तो आप पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि ब्लॉक के अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाली आइटम आ रही थी। और ये पॉसिबल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई एक बार जब कोई किसी तरीके के कैरेक्टर वाली ट्रांजैक्शन आ रही है तो वो लगातार रिपीट होती जा रही है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो फिर ये तो बेड़ा गर्क कर देगा ये सैंपलिंग टेक्निक तो आपका। इन अदर वर्ड्स, सिंस द रेंज ऑफ द कॉन्टिन्यूस ट्रांजेक्शन शेल हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि एक दिन में लगातार अगर मान लीजिए जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन आ रही है, रिटेल कस्टमर आ रहा है तो सिमिलर ट्रांजेक्शन आ रही होंगी, तो देयरफॉर सिलेक्शन ऑफ द ब्लॉक एट वन टाइम विल नॉट गिव अ रीजनेबल बेसिस फॉर ओपिनियन ऑन द ओवरऑल पॉपुलेशन। ओवरऑल पॉपुलेशन पे आप ओपिनियन कैसे दे दोगे ब्लॉक के बेसिस पे? एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन थी वो तो पकड़ में ही नहीं आई, सिंस डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में नॉट बी कवर्ड इन द ग्रुप। फर्दर, इफ द क्लाइंट हैज द आइडिया ऑफ ब्लॉक सिलेक्शन, अगर क्लाइंट को पता है ब्लॉक सिलेक्शन अगर ऑडिटर यूज करने वाला है, तो बेटा वो इस तरीके से अपनी सेटिंग कर सकता है कि ऑडिटर पकड़ ही ना पाए, मेन बड़ी बड़ी मिसस्टेटमेंट वाली ट्रांजैक्शन पकड़ ही ना पाए। उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर ऑन द सैंपल। हाँ जी, ये पॉइंट क्या कहता है? कहता जी ऑडिटर शेल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर विच इज एप्रोप्रिएट ऑन द ईच आइटम सिलेक्टेड ऑन द सैंपल। मतलब अब आपको ऑडिट प्रोसीजर देखना पड़ेगा जो भी आपने आइटम लगाई हैं उनके ऊपर। फॉर एग्जांपल, कौन से डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर आपके पास वैसे कौन कौन से हैं जो भी आप सैंपल पे लगा सकते हो? आईसीआई ऑब्जर्व एक्सटर्नल कंफर्मेशन, याद है ऑडिट एविडेंस के अंदर पड़ा था, तो ये ऑडिट प्रोसीजर की बात हो रही है। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल टू द सिलेक्टेड आइटम, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा कि उसकी रिप्लेस आइटम को चुनना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप सैंपल आपने सिलेक्ट किया चेकबुक का, जिसमें आप चेकबुक के चेक नंबर 5, 10, 15 एंड 20 को उठा रहे थे। चेक नंबर 10 जो था वो निकला कैंसिल चेक, ओ माई गॉड। तो फिर तो 10वां नहीं तो कोई और आइटम उठा लो, 11वीं आइटम उठा लो, ठीक है? तो यही लिखा है, अगर ऑडिट प्रोसीजर किसी पार्टिकुलर सिलेक्टेड आइटम पे पॉसिबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट कर दो उसका। आगे, अगर ऑडिटर इज नॉट एबल टू कलेक्ट द ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग द ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर ओवर द ओरिजिनल सैंपल, द ऑडिटर शेल ट्रीटेड एज। हाँ जी, तो ऑडिटर तुम्हें क्या ट्रीट करना पड़ेगा? दोबारा देखो जी, अगर ऑडिटर ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पा रहा है By performing the alternate audit procedure over the original sample, तो फिर ऑडिटर को इसे क्या मानना पड़ेगा? इसे मानना पड़ेगा मिस स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने सैंपल की टेक्निक, आपने सैंपलिंग में यूनिट उठाई, यूनिट उठाने के बाद आपने 20वीं आइटम जो उठाई वो थी ट्रांजेक्शन हुई थी किसी रामलाल के साथ, तो आपने क्या किया एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रामलाल से मंगाया, रामलाल ये रामलाल के पास इस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ही नहीं था जो आपके में आ रही है, रामलाल से उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आपके पास मिल नहीं रहा क्योंकि आपने अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया चेक करने के लिए, अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि रामलाल से सबूत नहीं मिल पा रहा। तो अब अगर तो आप टेस्ट ऑफ डिटेल चेक कर रहे हो तो इस चीज को कहा जाता है मिस स्टेटमेंट, ये गड़बड़ है, और अगर आप कंट्रोल चेक कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड डेविएशन, तो ये डेविएशन है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कैसे डेविएशन हो सकता है? फॉर एग्जांपल, एंटिटी कहती है लगातार 30 दिन, लगातार 12 महीने हमारा गार्ड आया है, आपने चेक किया वो आता ही नहीं था, तो फिर डेविएशन है ना। चलिए, तो कंट्रोल के रिस्पेक्ट में इसे कहते हैं डेविएशन और डिटेल्स के रिस्पेक्ट में इसे कहते हैं मिस स्टेटमेंट, ठीक है जी। अब ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये डेविएशन या मिस स्टेटमेंट आया क्यों एंड इनका पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है, एंड इनका पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है। इसके बाद करना ये यहां पर लिखवाया था, ये रहा। हाँ जी, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस वेयर द ऑडिटर कंसीडर्ड अ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन टू बी एनोमली, एनोमली मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई मिसस्टेटमेंट पकड़ी, आपने कहा भाई साहब ये तो मिसस्टेटमेंट है, और ये मिसस्टेटमेंट क्या थी कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन निकल आई जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको नहीं बताई थी। मिसस्टेटमेंट तो है मगर ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, मगर अब मैनेजमेंट ने भी आपको कहा
कि आप चेक कर लो यार, चांस की बात है कि एक ट्रांजेक्शन ऐसी आई है, ना आगे कोई ट्रांजेक्शन है ना पीछे, इससे हमारी कोई ऐसी कोई ट्रांजेक्शन दोबारा हुई नहीं, एक ही हुई है ट्रांजेक्शन, तो इसे कहते हैं एनोमली, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए एक्सट्रीम रेयर सर्कमस्टेंस जहां ऑडिटर कहता है कि जो मिसस्टेटमेंट या डेविएशन उसने पकड़ा है ये एक एनोमली आइटम है, ठीक है, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कि ये मिसस्टेटमेंट या डेविएशन बार बार रिपीट ना हुई हो, मतलब होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना कर रही हो, बार बार इसका रिपीटेशन ना हुआ हो, ठीक है ना। आगे द ऑडिटर शैल ऑब्टेन दिस डिग्री ऑफ सर्टेनिटी बाय परफॉर्मिंग द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे, मैं कहूंगा जरा मुझे इसके क्लाइंट का दिखाओ कि इससे कितनी ट्रांजेक्शन हुई है ड्यूरिंग द ईयर, मुझे इसके अकाउंट से भी वेरिफिकेशन इससे भी मंगवा के दो कि इसने कितनी ट्रांजेक्शन तुम्हारे किए, इसकी भी अकाउंट स्टेटमेंट मंगवा के दो, तो ताकि मैं पूरा अपने आप को सर्टेन कर सकूं कि हाँ जी ये ठीक है, एनोमली ही थी, एक ही गड़बड़ मिली है, वो अपने तरीके की अलग ही गड़बड़ थी, ऐसी गड़बड़ और कहीं नहीं है, ठीक हो गई इतनी बात। चले तो ये हमने क्या किया, ये हमने किया, ये हमने कौन सा पॉइंट किया, जब आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं किसी सैंपल के ऊपर, तो दोबारा बोलता हूं, जब आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे सैंपल के ऊपर तो देख लीजिएगा, मतलब वो प्रोसीजर अप्रोप्रिएट होना चाहिए उस सैंपल के ऊपर लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर हमने कहा ये है, अगर मान लीजिए ऑडिट प्रोसीजर अगर किसी पार्टिकुलर सैंपल के ऊपर नहीं लग पा रहा है तो आप उसका रिप्लेसमेंट आइटम सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए ऑडिटर इज अनेबल टू कलेक्ट द ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग द अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर ओवर द ओरिजिनल सैंपल, मतलब आपने सैंपल सिलेक्ट किया उनको वेरीफाई करने के लिए आप अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मान लीजिए अगर आप अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कब करेंगे, पहला जब आपका ऑडिट प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिल रहा, जब आप ऑडिट प्रोसीजर से एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं तो आप अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। अब आप अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कुछ नहीं मिल रहा आपको अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर में भी, तो फिर क्या होगा, इस आइटम को आप डेविएशन मान लेना अगर वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड है, या मिसस्टेटमेंट मान लेना अगर वो टेस्ट ऑफ डिटेल से रिलेटेड है। अब आप इन्वेस्टिगेट कीजिएगा कि ये डेविएशन या मिसस्टेटमेंट क्यों है एंड इवेल्युएट कीजिएगा इनके पॉसिबल इफेक्ट को। बट अगर आपको लग रहा है कि ये जो आइटम मिसस्टेटमेंट के रूप में आई है या डेविएशन के रूप में आई है ये इकलौती आइटम है, मतलब एनोमली है, तो फिर जरा चेक कर लीजिएगा सारी के सारी ट्रांजेक्शन्स में क्या ये एनोमली बार बार रिपीट तो नहीं हुई है, क्या ऐसा तो नहीं है कि एनोमली बार बार रिपीट हुई है। और ये चेक करने के लिए आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ द सैंपल। इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ सैंपल कैसे इवेल्युएट करोगे, मतलब कंक्लूजन निकाल रहे हो आप सैंपलिंग के। ऑडिटर शैल इवेल्युएट, हाँ जी, रिजल्ट ऑफ द सैंपल एंड वेदर यूज ऑफ द ऑडिट सैंपलिंग, जो भी उसने मेथड यूज किया है, हैज प्रोवाइडेड द रीजनेबल बेसिस of conclusion about the whole population। तो जब आप evaluate करोगे result of sample का तो कैसे करोगे, पहला check करो कि ये जो result of sample है जो भी आपने conclusion निकाला है, and whether use of the audit sampling method जो आपने use किया है और sampling method, क्या वो perfect conclusion दे पा रहा है about the whole population। अगर auditor का conclusion ये निकलता है कि सैम्पलिंग हैज नॉट प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस, तो मतलब प्रॉपर कंक्लूजन नहीं दे पा रहा है, तो फिर ऑडिटर क्या कहेगा, मैनेजमेंट को पूछेगा, सैम्पलिंग आपने मेथड लगाया, आपको पता लगा कि भाई साहब एंटिटी की तो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस भी हैं जो कि यहां सैम्पलिंग डेटा के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे, भाई आपने तो सैंपलिंग लगाया था, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपने मेथड ऑफ सैंपलिंग लगाया था, बट उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आ ही नहीं रही, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट सेल्स की ट्रांजैक्शन तो इसमें आई नहीं, और जबकि एंटिटी के मैनेजमेंट से बात करके आपको पता लगा था कि एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन है, तो मैनेजमेंट से बात कीजिएगा टू इन्वेस्टिगेट द मिस स्टेटमेंट डेट हैव बीन आइडेंटिफाइड, मुझे तो कहीं एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन दिखी नहीं पूरे सैंपल में, फिर एंड पोटेंशियल फॉर द फर्दर मिसस्टेटमेंट, कितना पॉसिबिलिटी है कि और ऐसा बहुत बहुत सारी एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन हुई हो। सिमिलरली मैंने कहा जी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एक दिक्कत नजर आ गई मुझे सैंपल साइज में,
अब ऑडिटर से इन्वेस्टिगेट करो कि भाई साहब ऐसे तो बहुत सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो कितनी गड़बड़ होंगी ऐसी। तो आगे ऑल्टर और डिजाइन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो अब आपने परफॉर्म करने हैं उनको परफॉर्म करो ताकि आप एक रीजनेबल कंक्लूजन रीजनेबल एश्योरेंस अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दे सको। तो ये हमारा इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ द सैंपल। तो ये पूरे का पूरा ऐसे आपका जी खत्म होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। अब मैं रिवीजन क्लास खत्म करता हूँ क्योंकि इस टाइम सुबह के 2:30 हो चुके हैं, तो मैं अब इसे खत्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।